रिकॉर्ड तो सब होता रहेगा, पहले ये बताओ आज आपकी साड़ी का कलर किसने चूज किया? साड़ी का कलर मैंने चूज किया। आपने चूज किया? आप ये बताओ आपके पास कितने टाइप की साड़ी है? साड़ी बहुत टाइप की है, हर कलर की है। थोड़ा ऊंचा बोलो, खुशी में बोलो। करीबन 50 के करीब है। हाफ सेंचुरी साड़ियों पे। यस, 50 साड़ी। और वो सब मेरे को मेरे जो प्यारे मित्र हैं, भाई हैं, उन सब ने दिए हैं जी, हर एक ओकेजन। और वो जो कलेक्शन है वो आज के नहीं, और करीबन मेरे को 4 साल या 5 साल की कलेक्शन है। सो मुझे साड़ी बहुत पसंद है। आज भी मैं सिर्फ साड़ी देख रही थी ऑनलाइन। हाँ। और मैंने कलकत्ता में किसी से बात की थी जी, कि मुझे कलकत्ता की जो बंगाली साड़ी होती है जी, वो जो दुर्गा पूजा पहनते हैं जी, रेड बॉर्डर पे और वाइट जी, तो वो मुझे चाहिए। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आप देखिए वहाँ पर जाके। हाँ। तो वो शाम को जाएंगे। मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। हाँ। अगर आपको से ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मनी मिल जाए और उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाए कि धनंजय जी यू हैव लाइक 1 लाख रुपीज, आपने इसमें सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग करनी है, आपको कूपन मिल जाए, मतलब वाउचर कूपन मिल जाए कि आप जाके इसकी शॉपिंग करो, तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे पहनने के लिए? साड़ी। साड़ी। और फेवरेट कलर्स क्या रहते हैं? मेरा येलो कलर फेवरेट है। हाँ। पिंक कलर फेवरेट है। हाँ। और ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के जो डार्क कलर है। हाँ। वो मेरे मतलब मेरी बॉडी पे मेरे व्यक्तित्व को और निखारते हैं। निखारते हैं। और खास करके मुझे कॉटन साड़ी पसंद है। कॉटन साड़ी। हाँ, कॉटन की, जैसे खादी की जो है जी, और चाहे मुझे खद्दर के पहना दो जी, पर मुझे कॉटन की चाहिए, क्योंकि कॉटन की साड़ी में क्या होता है कि अपनापन लगता है। हाँ। और कंफर्टेबल रहता है उसमें, आप पसीना भी आ रहा है तो आप उसको पोंछ लोगे। लेकिन आप सिंथेटिक और सिल्क साड़ी में ऐसा नहीं करते, वो फिसलती रहते हैं जी, आप सारे दिन पल्ला ही संभालते रहते हैं जी। और दूसरा, कॉटन में तो अगर आपने एक बार ही उसको पहन लिया तो वो हिलती नहीं कहीं जी, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। और आपकी बॉडी से भी, जैसे गर्मी है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय है ना, तो ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती, तो यहाँ पर तो इसी तरह कपड़े ही पहना जाना चाहिए थे जी। और मुझे लगता है कि जो हमारा खादी ग्रामोद्योग है, इनको और बनाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि खादी उससे लगता है कि बस ये जो कॉटन है ये अपनी बॉडी, क्योंकि कई बार क्या होता है रेजिस्टेंस भी होते हैं, बिल्कुल, जो शरीर को नहीं पसंद वो रेजिस्ट करता है। लेकिन हम लोग दुनिया को देख के, दुनिया के हमें देखें, अट्रैक्ट करें, चमक धमक ये सब चीज़ों के लिए हम लोग पहनते जाए, लेकिन बॉडी रेजिस्ट करती है, बॉडी उसको नकारती है उसको। लेकिन अगर कॉटन है, कॉटन में अपनी अपनी ग्रेस होती है जी। जैसे मुझे इंदिरा गांधी की जब भी पुराने फोटोज देखते हैं तो इंदिरा गांधी लगती कि मतलब एक सचमुच में आयरन लेडी खड़ी है, तो जी वो कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. तो स्वागत है आज आप सभी Rolling Frames Entertainment के दर्शकों का RFE Unplugged के इस बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खास एपिसोड पे। और आज जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे दीदी धनंजय चौहान जी, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये मुझे कहना में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहूँगा कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के पिछले पूरे दशक में अगर सबसे बड़ी और बेहतरीन फिल्म, जो कि दर्शकों को आप सबके प्यार से, जो मतलब जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, एडमिटेड फिल्म की मुख्य भूमिका और धनंजय दीदी की है, और ये फिल्म धनंजय दीदी के पूरे जीवन पर आधारित है। धनंजय दीदी का थोड़ा सा परिचय मैं जरूर पूरे अपने नए दर्शकों को देना चाहूँगा। धनंजय चौहान पंजाब विश्वविद्यालय के सबसे पहले प्रमुख, मतलब सबसे पहले प्रमुख फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं, रहे हैं, अब तो और आगे दास्तां निकल चुकी है, उस पर मैं आता हूँ। दीदी धनंजय जी चंडीगढ़ के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के मेम्बर हैं,
और दीदी हेड भी हैं सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी के, संगीत नाटक अकेडमी के भी मेंबर, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के भी मेंबर हैं वो। अभी आप बताना लोगों को, और अब दीदी बताएंगे कि वो क्या क्या हैं, अब पिछले दो सालों में क्या क्या घटा है साथ में। सबसे पहले तो मैं आप सबका, सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप लोगों का जो प्यार है सभी का, वो किसी भी दुनिया के हर इंसान के लिए जो एक प्यार होता है ना, तो वासुदेव कुटुंबकम जी, सारा पूरा जो परिवार ही हम सब लोग, पूरी दुनिया के लोग परिवार वाले परिवार के लोग ही हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अकेले, लेकिन फिर सोचते नहीं, पूरा दुनिया तो हमारे साथ ही खड़ी है। और जब इन, जैसे भागवत गीता में कर्म पे ही सब कुछ आधारित है, तो हम जब कर्म करते हैं तो यहाँ पर काम की वैल्यू है ना, नाम में क्या रखा है, नाम तो मेरा धनंजय, लेकिन नाम से कोई ना तो औरत होता ना मर्द होता। सो जब हम काम करते हैं तो काम से पहचान बनती है, और उसी की पहचान से आगे उसको सल्यूट करते हैं, सारी दुनिया सलाम करती है। साथ साथ में आप जस्वी भाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से जो एडमिटेड फिल्म उन्होंने मेरे जीवन पे बनाई, वो काफ़ी मेहनत से और बहुत लगन बारीकी, कहीं बहुत सारे सेंसिटिव मैटर भी थे, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हमको दुनिया के सामने रखे हैं। कहने को तो बहुत है, अभी दास्तानें लंबी हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन उसमें से जो चुन चुन के उन्होंने माला पिरोई है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में हो और जो जीवन के रंग हैं, जो और खुशबू हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, वो आप तक और भी आएंगे। मैं चंडीगढ़ की ही, बचपन से मेरा चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में ही रही हूँ, सिर्फ जन्म मेरा उत्तराखंड में हुआ। तो अभी जो मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट थी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। संगीत नाटक अकेडमी जो है चंडीगढ़ की, उसकी मैं सदस्य बनी हूँ। इंटरनेशनल प्राइड, इंटर प्राइड की मैं सदस्य बनी हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटर प्राइड, वर्ल्ड प्राइड होती है, तो वर्ल्ड प्राइड में दुनिया के अलग अलग जगहों पे हर साल इंटरनेशनल प्राइड होती है, वर्ल्ड प्राइड होती है, तो उसकी भी मैं सदस्य हूँ। और इसके साथ साथ मैं अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्रोजेक्ट मिलता है, जो इंडियन काउंसिल सोशल साइंस की तरफ से, ICSSR की तरफ से जो पंजाब यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया गया, वो भी ट्रांसजेंडर के ऊपर है। और ये सब चीज़ें हुई हैं, और उसमें जो ICSSR का जो प्रोजेक्ट मिला पंजाब यूनिवर्सिटी को, उसमें भी मुझे ही रखा गया है यहाँ पर जॉब पे। सो आप सबका, क्योंकि मैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर हूँ, और चलो एक शुरुआत है, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं स्टूडेंट, जॉब भी अभी ही है, तो स्टूडेंट बन के स्टूडेंट यहाँ पर आके एक लोगों के लिए, बाकी जो दुनिया है उनके लिए रास्ता खोला, और एक मिसाल कायम की कि अब स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है जी। विद्या के लिए किताब जब खोली जाती है, तो किताब में जो जिसके भी हाथ लगते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती बुक, एब्सोल्युटली है ना, किताब किसी के भी हाथ में आए, वो मेल फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, ट्रांस वुमेन हो, ट्रांस मैन हो, किसी के साथ भी, वो किताब साथ में रहती है, उससे उसके अंदर से जो ज्ञान निकलता है वो सबके पास पहुंचता है जी, वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उसमें। तो जॉब के लिए भी मैंने इसलिए हाँ बोला कि क्योंकि मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत बिजी रहती हूँ सारा जी, जॉब में पहले मेरा इंटरेस्ट, जॉब तो करनी ही थी, लेकिन इंटरेस्ट होते ना होते भी मैं उसको नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास लोगों के जो जो बाकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं जी, उनके दिन प्रतिदिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैं उन सभी चीज़ों पे आऊँगा, तो उस प्रॉब्लम के कारण मैं एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब बंद के, जैसे मैं लोगों को समुद्र में लेके गई जी, लेकिन खुद तो कुएं में नहीं आ सकती ना जी, मैं कुएं में बंद जाऊँ, मैं 9 से 5 वाली जॉब में आ जाऊँ, तो मैं फोन भी आपको भी बोलूंगा नहीं भैया आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने के बाद मुझे ही धनंजय दीदी को चेज करना पड़ा, अभी भी इंटरव्यू करने के लिए कितने दिन बाद, और आने से पहले मैंने दीदी ने कहा समोसे लेके आना,
तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा शो खाए बगैर अधूरा है, खाने के बगैर समोसा भी इसलिए कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा कि अब मैं सुबह जल्दी में थी, सुबह कुछ जैसे मैं घर से मतलब अब कुछ बनाना था, लेकिन फिर कुछ ट्रांसजेंडर आ गए जी, उनको हॉस्पिटल जाना था। अब मैंने कहा मैं पहले जैसे मेरे पास समय नहीं अभी, तो मुझे जॉब भी करनी है और एनर्जी भी, मैं कहूँगा एनर्जी भी कम हो जाती है जी, जॉब भी है, बाकी एनर्जी इसलिए कम हो जाती है कि आपके पास इतना हौच पौच हो जाता है काम का जी, कभी कोई कॉल कर रहा है, कभी कोई कॉल कर रहा है, कभी घर पे ही सब लोग आ जाते हैं जी, हमारे साथ चलो, हमें कोविड का इंजेक्शन लगवाना, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को आज सुबह किडनी वाला था कोई पेशेंट जी, और एक ने कोविड का इंजेक्शन लगवाना था जी, कल से मेरे पीछे पड़े। तो मैंने कहा भाई अपने आप चले जाओ, हर जगह तो मैं हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकती, हॉस्पिटल खुले हैं, ऐसा कहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई मना करता है किसी चीज, तो मैं खड़ी हूँ, लेकिन आपको निवाला भी मतलब मैं खिलाऊं तो मुश्किल है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो हर चीज के लिए मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ कि मैं आपको यहाँ उंगली पकड़ के यहाँ भी लेके आऊँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तब मैं आपको देखूँ कि कोई छेड़ तो नहीं रहा है, ये तो नहीं, वो उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा जी हमेशा से, और इन चीजों के कारण मैं उलझ जाती हूँ जी। अगर आपके पास, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास हजारों कॉल आती है दो चार दिन, मतलब डेली आपका 8-10 कॉल आ गई, तो आप डिस्टर्ब हो जाते। कभी कभी क्या होता है कि एक कॉल से भी बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, अगर कोई ऐसे ही अटपटी बात हो जाए तो इंसान सारा दिन, और सुबह ही मतलब उठते ही कोई कॉल आ जाए जी, तो सारा दिन खराब हो जाता है कि यार मैं करना भी चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाता जी। फिर सोचती हूँ कि हर चीज तो मैं नहीं कर सकती जी, तो बस जितना हो सकता है मेरे से मैं करती हूँ, लेकिन उससे अगर, क्योंकि अगर इंसान ऐसा भी दुनिया में है ना कि अगर आप हजारों अच्छे काम करते हैं जी, उनमें से अगर 2-4 काम नहीं कर पाए तो सारे दुनिया ये कह दे वो 1% पे ही रहे, वो 1% वाले सारे वो 99% पे हावी हो जाते हैं जी। अब होता है ऐसा ही है, क्योंकि आप जितने मर्जी अच्छे काम करो, एक काम आपसे गलत हो गया तो सारा मिट्टी भी। और मैं आप लोगों से भी बताता हूँ कि इनके साथ काम गलत भी नहीं होता, मतलब ये है कि क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ चैनल पे कि मैंने दीदी के साथ दिन रात इतना वक्त हम टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, और फिल्मिंग के दौरान तो ऑलमोस्ट 24 आवर ही हमारा बहुत टाइम साथ में स्पेंड होता था। तो आप ये समझें कि अभी अगर हम टॉक कर रहे हैं और ये फ़ोन पड़ा है दीदी का, है ना, तो अभी इंटरनेट बंद किया हुआ है ताकि मैसेजेस बार बार ना आते रहें, व्हाट्सएप कॉल्स ना आते रहें। मैं लिटरली जब भी हम दीदी के साथ टॉक्स पे या प्रमोशन पे सेमिनार्स पे जाते थे, मैंने देखा था कि मतलब हर 2 मिनट में व्हाट्सएप की वीडियो कॉल आ रही है, मैसेंजर पे वीडियो कॉल आ रही है, लोग एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं कि ये आप ही हैं, और लोग हर मतलब मक्खी भी मारनी हो ना उसके लिए भी फोन कर लेते थे, उन्हें लगा कि मतलब आप आके हमारे कितने काम कर सकते हैं। और एक ऐसा नहीं कि बात कोई दो जी मेरे को ये काम है ऐसा, वो घंटे लगा दे, एक घंटा बात करते हैं, मतलब हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं, हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं। तो मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि अगर आप धनंजय जी को गहराई से जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन ये कहाँ से आए हैं और इनकी लाइफ कैसे बनी है और आज जो हम धनंजय चौहान जी को देख रहे हैं इस तरीके से, वो उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, तो आप एडमिटेड फिल्म ज़रूर देखें, हमारे ही चैनल रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे फिल्म अवेलेबल है। और खासकर आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द फिल्म कि ये फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज की जाएगी, और लोग इस फिल्म को, दर्शक आप सब लोग इस फिल्म को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे, नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो मनी रिक्वायर्ड, आपने सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना है और आप इसे देख सकते हैं। धनंजय दीदी को मैं मतलब हम एक एरा में इस टॉक को डिवाइड जरूर करके चलेंगे, मतलब एरा एक है कि प्री एडमिटेड एंड पोस्ट एडमिटेड। अब प्री एडमिटेड तो वो है कि आप एडमिटेड फिल्म देखें तो आपको आज का सारा बेस समझ में जरूर आएगा। पोस्ट एडमिटेड जब मैं दीदी को हम बातचीत चल रही थी, और खासकर जब COVID-19 शुरू हो गया था और खासकर फर्स्ट वेव ऑलमोस्ट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने को आई थी, तो June 13, 2020 को अभी भी सिनेमा घर नहीं खुले थे, अभी भी बहुत चीज़ें बंद थी, उस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी भी बंद थी, और मैं आपको बता दूं कि आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठे हैं, तो आज भी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद सी है, और तब तो बिल्कुल ही बंद थी, तो तब हमने ये फिल्म रिलीज़ की थी एडमिटेड इंटरनेट पे।
और उस दौरान भी जब मैं दीदी को फॉलो कर रहा था तब मैं ये देख रहा था कि जब भी कुछ भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जब भी उनको कोई फूड की रिक्वायरमेंट है, राशन की रिक्वायरमेंट है, तो धनंजय दीदी बहुत पूरा चंडीगढ़ छोड़ो पंजाब लेवल पे, नॉर्थ इंडिया लेवल पे मैसिवली इनका बहुत दिन रात काम चल रहा था। मतलब मैं दीदी को फ़ोन करता था, कहती थी भैया बैटरी 5% रह गई है तो बैटरी मतलब चार्जर लगा के ही बैठते थे क्योंकि इतने कॉल्स आते थे। फिर जब कोविड जब वैक्सीनेशन आ गई, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, उसके पीछे इनका बहुत मेजर ड्राइव रहा। अभी इन्होंने हाल ही में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की ओर से भी और खूब सारे एनजीओस की तरफ से भी काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर्स को और भी जो अनक्लेम्ड जेंडर्स हैं जिनको हम क्वेयर या सिस जेंडर या जितने भी हैं जो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करते बट वो इनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो सबको वैक्सीनेशन इन्होंने इंश्योर की कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगे, चाहे उनके लिए ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, बेड की रिक्वायरमेंट हो। और आई थिंक इस दौरान जो सबसे बड़ा डेफिसिट आया है वो रहा है जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में बिजनेसेस बंद हुए हैं। और खासकर मैंने बहुत अच्छी वो स्टोरी भी पढ़ी थी कि आप चाय की टपरी पे भी जाके बैठे थे और वहाँ पे भी जो एक ट्रांसजेंडर महिला है, हमारे ट्रांस वुमेन है, वो जो एलएनटी मॉल के पास ही बैठते हैं ना, तो उनके चाय की टपरी है बेसिकली, वहाँ पे बैठ के भी दीदी ने उनको सपोर्ट किया कि यार यू शुड कम एंड ड्रिंक टी हेयर एंड एक चाय 5 मात्र 10 रुपये 15-20 इससे ऊपर नहीं मिलती है बाहर, तो सपोर्ट करें क्योंकि आप लोग तो काम करेंगे ना और आपसे कोई nobody is begging you money कि आपकी सिग्नल पे आके, या हम आपको कोई भी फोन नहीं करता है, दे जस्ट वॉन्ट जॉब्स, राइट? सो जॉब्स तभी इक्विप होंगी जब एजुकेशन होगी, तो इंश्योरिंग एजुकेशन के साथ साथ धनंजय दीदी हैज ऑल्सो टेकन अप द मुद्दा ऑफ फाइंडिंग जॉब्स एंड इन्होंने बहुत लोगों को, मैं आपका फेसबुक भी फॉलो कर रहा हूँ, सारे लोग कर रहे हैं, दीदी ने जॉब्स रिगार्डिंग इतनी पोस्ट डाली हैं कि यहाँ जॉब निकल गई अप्लाई करो, यहाँ जॉब लगी अप्लाई कर दो। अब इनका सवाल वहीं आता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला के रख देती हैं, ये सभी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मेरा सवाल है। अब मैं अंगूठा उठवा के आपसे फॉर्म नहीं ना भरवा सकता, अब विल भी होनी चाहिए, तो वो क्या, ये क्या चैलेंज आ रहा है दीदी कि जब आप इतनी अपॉर्चुनिटीज अब सब लोगों को लेके आ रहे हैं तो वो क्या उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर रहे हैं? देखिए इसमें खास करके जो अभी ट्रांसजेंडर का मुद्दा है इसमें जॉब्स का, जी जॉब्स हैं चाहे एजुकेशन हो, तो इसमें मेरे को लगता है कि ट्रांस मैन जो है वो बाजी मार लेंगे। अच्छा, ट्रांस मैन का बेसिकली बैगिंग में उनका रुझान ही नहीं रहता। ओके, उनकी भी रिजेक्शन होती है सोसाइटी में, उनका भी बहुत टैबू रहता है। जी हालांकि ट्रांस वुमेन विजिबल ज़्यादा रहती हैं, जी ट्रांस मैन विजिबल इतने नहीं रहते जब तक वो खुद ना बताएं, जी या जब तक उनका ट्रांजिशन चलता है, जी और ट्रांजिशन के बाद उनका बहुत रेयरली पता चलता है, जी कोई बताएगा तब, लेकिन बिटवीन जब से ट्रांजिशन चल रहा है उनका, जी HRT पे है या और चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर काफ़ी, लेकिन ट्रांजिशन के बाद इतना मुद्दा नहीं रहता, लेकिन ट्रांस वुमेन का बिफोर एंड आफ्टर बिटवीन सब जगह काफ़ी सारे टैबूज जुड़े हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। जी बाद में भी 6 फुट की अगर कोई औरत नजर आएगी, चाहे बेशक उसने सर्जरी करवा ली, ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया, जेंडर कन्फर्मेशन जो सर्जरी है कन्फर्मेशन करवा लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी वो 6 फुट का इंसान जो है वो दूर से नज़र कितने बड़े, और सो ये सब चीज़ें ट्रांसमैन जब जैसे अभी मेरे साथ एक दो लोगों का ट्रांसमैन वो जॉब पे लगे हैं तो किसी ने पहचाना नहीं उनको, अभी तक उनके जो स्टाफ है साथ के काम करने वाले उनको पता नहीं है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। और पता होना, क्या मैं दर्शकों से पूछता हूँ, क्या पता होना जरूरी है क्या जब हम कोई फॉर्म भरते हैं जॉब का तो हमारा जेंडर कितना मैटर करना चाहिए, क्या हमारी स्किल्स मैटर करनी चाहिए, क्या हमारी एबिलिटी मैटर करनी चाहिए, क्या हमारी कॉम्पिटेंसी मैटर करनी चाहिए? अगर मैं अच्छा लिख सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है और मैं आपके जॉब के लिए राइटली फिट हूँ, या मैं बिजनेस करने के लिए फिट हूँ, तो क्या मुझे हक नहीं है क्या मैं जॉब कर सकूँ? ट्रांस वुमेन के साथ फिर ये प्रॉब्लम आती है कि जॉब तो वो करना चाहते हैं लेकिन बहुत मुद्दे और भी हैं, कई ट्रांसजेंडर ऐसे भी जो जॉब की जगह वो बेगिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं,
क्योंकि वहां पर दैट इज लुक्रेटिव बिजनेस, वहां पर मनी ज्यादा है। तो आप समझाएं थोड़ा सा लोगों को कि क्यों वो लुक्रेटिव मानते हैं। बिकॉज वो कुछ जो सालों में ही अमीर हो सकते हैं। अच्छा। अब जॉब करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जॉब हूँ तो मैं कई साल लग जाएंगे वो उस लेवल तक आने जी, उनको दो साल में ही सब चीजें मिल जाएंगी जी, जिसके लिए मैं 10 साल अपने यहाँ पर जूतियां रगड़ू या सब कुछ करूँ तो, लेकिन मेरा लेवल उनसे कई गुना आगे बढ़ जाएगा। ओके। इंटेलेक्चुअली वे में भी, सोशली भी एक्सेप्टेंस मेरे सबसे ज्यादा रहेगी जी, लेकिन फाइनेंशियली शायद मैं बहुत वीक रहूँ। ओके। उनका फाइनेंशियली वो गाड़ियों में घूम से चाहे मर्सिडीज में घूमे, बहुत सारे लोग मेरे साथ की जी जिन्होंने सर्वाइव करना शुरू किया था मेरे साथ में जी, दे आर वेरी रिच, दे आर करोड़पति। दीदी क्या इसका मतलब हम लेके चलें कि बहुत लोग इट्स अंधविश्वास की तरफ हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है, इसलिए जब हम कहीं किसी को भी ब्लाइंड फोल्डेडली बहुत सारा पैसा दान कर देते हैं, क्या ये आउटकम ऑफ दैट है कि बैगिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज इंडस्ट्री? आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये बैगिंग तो ठीक है जो भी है, लेकिन जो अपना सिस्टम चल रहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पढ़ने लिखने वाले हैं जी, जिनको एक्चुअल में जरूरत है जी, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करिए जी ना, जितना पैसा आप ठीक है जो अगर किसी बधाई वालों को देते हैं जी वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे को लगता है शायद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, दे नीड मोर देन अदर पीपल। बिकॉज अगर सपोज ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत अमीर हो गया जी, करोड़पति हो गया, तो करोड़पति हो गया मतलब उसके पास सफिशिएंट मनी है जी, ठीक है ना, वो अपना दुकान पार्लर खोले, जैसे अभी दिल्ली में ही आर्यन पाशा जी ने और लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी जी ने मिलके उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्लर खोला है, ब्यूटी पार्लर जी। सो ये मिसाल है सबके लिए। इसी तरह जिसके पास अगर 10-20 लाख रुपए 25 लाख ये अमूमन होती है सबके पास, इतना तो एक हिजड़ा के पास होता है जो बधाई में है। हाँ ठीक है, करोड़ों भी होते हैं, जब कोई इंसान करोड़ों का आदान प्रदान कर सकता है तो वो खरीद, वो दुकान भी खोल सकता है, वो फैक्ट्री भी खोल सकता है जी। अगर वो फैक्ट्री में, सभी को रिक्वेस्ट करूँ कि ठीक है, किन्नर परंपरा या हिजड़ा परंपरा कोई गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, जब बनी थी तब भी सही थी, और हर चीज देखो भागवत गीता में लिखा है परिवर्तन तो हर समय का, जो समय के हिसाब से परिवर्तन होना भी जरूरी है जी, और उसको परिवर्तन होना जी, किन्नर परंपरा को खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम बना है जी, अब किन्नर का मतलब बैगर्स नहीं होता है जी, हिजड़ा का मतलब कोई बैगर्स नहीं, कोई भीख मांगने वाला नहीं है। बैगिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। जब मजबूरी थी 1871 में जब एंटी ट्राइबल लॉ बना था, अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर दिया था, तो और कोई चारा नहीं था, लेकिन 150 साल के बाद समाज बदल रहा है और हमें ही बदलना है, कोई और आके बदलने वाला नहीं, ना आप बदलोगे ना कोई। जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो चेंजेस आई हैं वो मैंने खुद लेके आई जी, चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में जो चेंजेस आए मैं खुद लेके आई हूँ जी, उसको कोई दूसरा मेल और फीमेल लेके नहीं आया चेंज जी, हमें खुद, अगर आप चेंज चाहते हैं तो खुद को चेंज करना होगा जी, अगर आप खुद को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। सो मैं उन सब लोगों को बोलूँगी जो करोड़पति हैं जी, जिन्हें करोड़ों रुपए हैं, वो फैक्ट्री खोल लें, अगर 10 करोड़ में 5 करोड़ में, अगर उनके पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ का उनको सरकार लोन भी दे देगी जी, अगर उनके 5 करोड़ है तो सरकार दे देती है लोन, आप फैक्ट्री खोलें, उनमें अगर 100 लोग अगर काम करने वाले हैं जी, तो वो ट्रांसजेंडर को ही रखिए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी ट्रांसजेंडर में जी, और ये बैगिंग सिस्टम में ठीक है, उसमें फिर कम लोग रह जाएंगे जो बैगिंग सिस्टम है। क्या मैं ये मान के चलूं दीदी कि अभी लोगों को उतनी ईज ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं फील हो रही है, इसलिए वो अभी भी बैगिंग पे दे वुड वांट टू रिलाई ऑन दैट? एंड मैं समाज की भी इसमें गलती मानती हूँ, अभी यहाँ जो ट्रांसजेंडर पढ़ रही हैं जी, उनका चलो फीस माफ हो गई, लेकिन खाना पीना रहना ये तो बहुत दिक्कत ये है। आप एडमिटेड देखें तो आपको भी पता लगेगा कि ये इश्यूज क्या है। ये दिक्कत तो है, कहाँ से जाएगा? सपोज बच्चा कोई पढ़ने वाला है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, वो घर से यहाँ भी आएगा, ऑटो का खर्चा करेगा, बस का करेगा, कमरा भी यहाँ पे है, वो रूम रेंट भी देगा, खाएगा भी। यहाँ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चलेगी। ओ तो वो अभी मैंने उसको फोन किया था, तो शी वॉज लाइक किसी को गला घोट दिया, वो फोन पे ऐसे बात करी थी, तो मुझे लगा कि शी इज इन डिप्रेशन,
कि वो कहाँ से खाए जी, कमरा किराए पे है लेकिन वो किराया कहाँ से दे। सो मेरे को कभी कभी डर लगता है कि वो विड्रॉ ना कर ले एडमिशन या ड्रॉप आउट ना हो जाए जी। तो वो जो एक लड़ाई है, तभी मैं लोगों को आह्वान करती हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको हेल्प करो, उनको ज्यादा जरूरत है। सभी जब आपके बच्चे होते हैं, आपकी शादियां होती हैं, आप उनको हेल्प करो। आप पूछिए कि कहाँ यूनिवर्सिटी में आके बोलिए कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो बच्चा पढ़ रहा है या किसी को पढ़ना है, अपनी फेसबुक में, आजकल तो सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे हैं। मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी थोड़ा मनी डोनेट ही कर रहे हैं तो हेल्प अ स्टूडेंट, मतलब एटलीस्ट थोड़ा उनकी एजुकेशन फीस ही हो जाए। चलो वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो फीस माफ होगी, बाकी जगह पे अगर अक्रॉस द वर्ल्ड ही हम कहेंगे, अक्रॉस इंडिया, अगर आप इंडियन ऑडियंस हैं हमारे, तो एटलीस्ट एक सेमेस्टर की फीस या कुछ करके जरूर हेल्प करें। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, तो आप उस स्टूडेंट के डायरेक्टली आप उसको फीस स्पॉन्सर कर दीजिए, उनके बिहाफ पे इंस्टीट्यूशन को आप पे कर सकते हैं। आप मुझे भी इंस्टाग्राम डिटेल्स आप ले सकते हैं, क्योंकि धनंजय जी के पास सब स्टूडेंट्स का या ट्रांसजेंडर्स जो पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ बहुत ही स्किल्ड हैं एंड दे आर सीकिंग जॉब्स। Even तो, I want to say, sorry to interrupt you, but I request you कि मेरे को भी कमरा चाहिए। I'm living in slum area. So, जब भी आपके पास समय आप देखना, बारिश वाले दिन खास दिन खास कर आना कि आप जब आपने लिखा था मैंने मूवी पढ़ा था। आप देखो हमें तो कपड़े उठा उठा के पैदल चलना है, कीचड़ होता है, वहाँ सड़क भी नहीं है। चंडीगढ़ इज अ मॉडर्न सिटी बट जहाँ हम रहते हैं वो स्लम एरिया है। सो हम कमरा ढूंढ रहे हैं लेकिन कमरा मिल नहीं रहा। मोस्टली ट्रांसजेंडर को लोग बहुत सोच समझ के ही देते हैं। तो इतने जगह अभी तो 2-3 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जहाँ भी जाते हैं देखते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया बता देते हैं, तो बजट भी हमारा उतना नहीं होता जितना हम कर सकते हैं। लेकिन हमें, आई एम सोशल एक्टिविस्ट, मैं एक कमरे में रहती हूँ तो एक कमरे में मेरे बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, मुझे खाना भी खाना, मुझे बैठना भी, मुझे आराम भी करना, उसी में उठ में वॉशरूम भी उसी में। तो कोई आता है मिलने जुलने वाला तो मुश्किल हो जाता है। कम से कम एटलीस्ट चलो मैं इतना एक्टिविज्म में हूँ तो मेरे पास एक दो दो तीन रूम होने चाहिए एटलीस्ट। कोई इंसान जैसे भोला भटका कोई घर से निकाल देते हैं किसी तरह, वो मेरे साथ अगर मेरे पास 3 रूम सेट है तो मैं एक रूम में टेम्प्रेरी बेस पे जी, कोई आए 2-4 दिन जब तक उनका बंदोबस्त है तो मेरे पास रहे, हाँ। फिर चले जाए, खाना भी मैं खिला दूँ सब कुछ, लेकिन होना तो चाहिए ना अपने पास। जब अपने पास ही नहीं कुछ तो दूसरों को क्या मदद। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सोचते हैं ना कि इफ़ यू आर हेल्पिंग पीपल एट द कम्युनिटी लेवल, बड़े लेवल पे, मतलब आप मान के चलें कि मैं ये मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं कर सकता मैं कि धनंजय दीदी इज द लीडर ऑफ हर कम्युनिटी ऑफ हर जेंडर ऑल्सो हियर। तो अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं तो भी आप समझें कि वाई एनीबडी इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प द कम्युनिटी वाई वी नीड मनी आरसेल्व्स। क्योंकि अगर कोई इनसे भी हेल्प लेने आए तो उनके पास खुद भी उसे बैठाने की, उन्हें उसे खिलाने की, उसे पिलाने की, उसे 4 दिन या कोई दवाई मांग ले कि दीदी हमें हेल्प करनी है। तो आप सोचो ना कि अगर आप रेंडमली मतलब आप किसी भी वर्क से या किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस से बिलोंग करते हो या किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपसे अपनी ही ट्रेड के लोग हेल्प मांग लेते हैं, आप कितने लोगों की पर्सनली खुद मॉनेटरीली हेल्प कर पाते हैं? आप गाइडेंस दे सकते हैं आसानी से, पर इन केस ऑफ हर एंड इन केस ऑफ पीपल लाइक अस एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, वी एक्चुअली हैव टू गिव मनी मॉनेटरीली कि दवाई की जरूरत है, दीदी एक्सीडेंट हो गया है, एंड देयर आर ट्रांसजेंडर, देयर हैंड टू माउथ इन लॉट ऑफ केसेस कि हमें मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है, हमें खाने के पैसे नहीं है। देन शी स्टार्टेड अरेंजिंग राशन। आई रिमेंबर कि 4 डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, क्योंकि एट एवरी प्लेस व्हेन बाकी सब लोग खाना राशन बांट रहे थे, नोबडी थॉट कि ट्रांसजेंडर्स ऑलरेडी जो इग्नोर्ड हैं स्लम एरियाज में या बहुत बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, जो वैसे ही आगे उठ के नहीं आ पा रहे थे, उन्हें कौन खाना पहुंचाएगा? क्योंकि वो लाइन में जाएं उन्हें वैसे ही बहुत शेमिंग मिल रही है, लोग खड़ा ही नहीं होना चाह रहे थे साथ में। तब धनंजय दीदी ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फॉर ऑल ट्रांसजेंडर्स, और फिर एक एक की डिटेल आती थी, आज 100 लोगों को, 150 लोगों को। आप सोचो उन पे भी कितनी फैमिलीज डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पेरेंट्स ओल्ड हों और वो सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो, वही जॉबलेस है। वो मैंने नहीं किया था, मुझे हेल्प
क्योंकि उनका उनका एक पूरा ऑरा है, उनको जी कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो पर उसको मोबिलाइज करना या उसे पूरे लोगों को इनवाइट करके बुलाना, इंश्योर करना कि राइटफुल राइट बेनिफिशियरी को वो जा रहा है, वो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल। दैट रिक्वायर आप बैठो ना, जैसे कि 50, 100, 150 लोगों को आपने भी लंच में भी बुलाना हो, तो हमारा 1-2 महीने का होमवर्क हो जाता है। लॉकडाउन में भी जब बिल्कुल फुली लॉकडाउन था जी, तो 2 महीने का लॉकडाउन था, एंड तब मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर ने जी, NISD ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जी, उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर को भी 1500 वो हेल्प करेंगे। तो मुझे चंडीगढ़ की लिस्ट बनानी थी, बट अब लॉकडाउन था, मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, मेरे पास कोई लैपटॉप है नहीं, मोबाइल, तो मैं एक्सेल शीट नहीं बना सकती, और लोगों से उनके आधार कार्ड उनका आधार कार्ड का नंबर मैं डिटेल लिख देती थी, आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या भेजना है हर एक ट्रांसजेंडर को। अब 300-400 लोगों को भेजना था, आप नाम लिखिए, फादर नेम या आधार कार्ड नंबर लिखिए, आप बैंक का अकाउंट नंबर, IFC कोड लिखिए, फिर एड्रेस वगैरह सब सब लिखना। लेकिन जब जिस ट्रांसजेंडर को भेजते थे, वो मेरे को अपनी फोटो का फोटो क्लिक करके आधार कार्ड की और बैंक की कॉपी भेज देते थे। अब मुझे इतना, आप सोचो कितना होमवर्क करना पड़ता, पूरी पूरी रात की पूरी डिटेल लिखनी, लिखना सब उससे, अगर वो मेरे को सिर्फ लिख के भेज दे, और ऊपर से मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, तो मैं एक्सेल शीट कहाँ से बनाऊँ। फिर मैंने बहुत मुश्किल से एक पूरी शीट बनाई पेपर पे, और मैंने फिर एक मेरी फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, उसको बोला, इंडिया में भी बोला बहुत सारे लोगों को कि आप प्लीज मेरी हेल्प करो, ये 150-200 लोगों की लिस्ट है। और मैंने सारा 3-4 रात बैठ के, क्योंकि दिन में तो बहुत सारी कॉल आती हैं, रात को मैंने वो फोन नेट बंद करके, फोन फ्लाई क्या होता है, एयरप्लेन मोड करके, क्योंकि वो मैं फोन बड़े आते हैं, तो बट मुझे फोन से ही तो सब कुछ डिटेल करनी थी ना, तो फोन को ऑफ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर वहां से लिख लिख के कागज में सारे एक एक चीज को, आप सोचिए कि एक एक डिजिट को उसमें करना था, तो वो बहुत लंबा काम था। बट सरकार को मैंने बड़ी मुश्किल से, करीब कई दिन लग गए, फिर जाके मैंने एक लिस्ट पूरी 200-250 लोगों को भेजी, और वो गवर्नमेंट ने उस पर एक्ट किया। हाँ, उसमें उस समय 1500 आए थे, कुछ लोग बच गए थे जिनका शायद वो डिजिट गलत होंगे, उन्होंने जिनको जिनके जिन्होंने मेरे पास भेजा जी, जिन लोगों ने, तो मेरे को आधार कार्ड या वोटर, वो आधार कार्ड या बैंक की डिटेल भी हो तो ठीक रहा होगा, हो सकता है मेरे से भी कोई डिजिट रह गया हो। पर दीदी कितने लोग थे ऐसे, इतने करीबन 30-40 लोग थे जिनको मिला। अब आप ये सोचिए कि धनंजय दीदी बहुत बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, पर मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी अपील करना चाहता हूँ मैं सभी दर्शकों को, कि अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प भी तरीके से लीजिए। आप हेल्प नहीं, आप लिटरली आपने फोटो खींच के भेज दी, मतलब आप सोचो आपने उनको काम कितना बढ़ा दिया। कोई अगर आदमी आपकी हेल्प करना चाह रहा है, थोड़ा आप भी अपना हेल्प उस हिसाब से मांगो ना, कि उनको प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। ब्लर्ड सी फोटो खींच के भेज देते हैं लोग, टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं भेज देते हैं, जैसे कि आप हम पे एहसान कर रहे हो फोटो भेज के। कई लोग तो ऐसे जो किन्नर परंपरा में जिनको डेरों से निकाल दे, वो मेरे पास है कि हमारा डेरा वापस दिलवा दो, हमारे जो इलाके हैं जो मांगने के वो वापस। मैंने कहा मैं वो सब चीज़ों में हूँ नहीं, ना मैं वो दिला सकती हूँ, ना मेरा कोई बस में चलता जी, मैं किसी का बैगिंग एरिया नहीं दिला सकती, मैं किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि ये तो वैसे तो इलीगल है जी, ठीक है ना। बट चलो ठीक है, ये सोशली एक कस्टम है, तो लोग अपनी मर्जी से दान करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं होता किसी का, कोई बैगिंग का एरिया थोड़ी रजिस्टर हो जाएगा, कोई पूरे 5 सेक्टर जो 10 सेक्टर हैं जो वो किसी के नाम पर रजिस्टर हो जाए जी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी, ठीक है ना। ये तो गैर कानूनी भी है, अजीब सा लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते तो बहुत, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, अगर तुम क्यों बैगिंग पे डिपेंडेंट होने जाते हो, क्या ऐसा बात है। आप ट्रांसजेंडर हो, आई रिस्पेक्ट, एवरी वन रिस्पेक्ट यू, ट्रांस वुमेन हो, ट्रांस मैन हो, कोई है, हर इंसान की रिस्पेक्ट करता है। संघर्ष तो हर एक को करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, मुझे सबसे ज्यादा करना पड़ा है, क्योंकि मैं इसी शहर में पैंट से साड़ी में आई। बिल्कुल, और आप सोचिए कितना लोग जज करते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जज करते हैं। आई रिमेम्बर जब हम
फिल्म की सबसे पहली स्क्रीनिंग हुई थी ऑडिटोरियम में, तो कितने लोग, मतलब एक तो होता है ना कि ऑडिटोरियम जब फिल्म खत्म हुई तो कुछ ही हंड्रेड ऑफ पीपल लाइट ऑन होती है ना, तब आपको क्राउड नजर आता है, और इंटरवल के टाइम पे भी आपको क्राउड नजर आता है, सीढ़ियों में बैठे थे लोग। तो फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी, हम लोग फ्रंट रो में बैठे थे, एंड लोग आगे से तो जिनकी सीट्स ऑफ कोर्स थोड़ा कुछ सेट सेगमेंट रिजर्व होता है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड मेजर जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए, पर लोग पीछे से ही घुसते ही जा रहे थे, एंड कुछ लोग थे जो बिल्कुल ही वेट कर रहे थे कि कहाँ लाइट ऑफ होगी और हम डिस्क्रीटली अंदर घुसें देखने के लिए, एंड दे वॉन्टेड टू सी द एंटायर लाइफ ऑफ धनंजय देवी। एंड पिक्चर का जैसी क्रेडिट रोल खत्म हुआ उससे बस एक मिनट पहले ही दे वेंट आउट, बिकॉज ऑफ कोर्स आर एंटायर टीम एंड क्रू वाज आल्सो स्टैंडिंग आउटसाइड, सो दे एक्चुअली टोल्ड अस कि यस एटलीस्ट 100 पीपल वॉक्ड आउट जस्ट बिफोर लाइट्स वर टर्न्ड ऑन। सो वो लोग ना बिल्कुल देखने आते हैं, बिल्कुल छुप छुपा के देखते हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट इट कि मैं आज ये कैमरा पे बात कर, तो यार हेल्प भी लो ना अगर किसी से या देखना भी चाहो तो। आप मुझे समझ में नहीं आता आप प्रॉपरली क्यों नहीं लेते, मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखें कि शी सेज शी डजंट हैव अ लैपटॉप और चीज़ें नहीं हैं, एंड देन मे बी यू नो दे आर लिविंग इन सच एन एनवायरमेंट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर इन एम्पल फॉर्म, देन यू एक्सपेक्ट देम टू सेंड ईमेल्स, क्योंकि जब आप किसी से काम ले रहे हो, मैं ये इंस्टीट्यूशंस को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लार्ज फंडिंग कंपनीज को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखो इफ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज देम एज गुड एसेट्स एज रिसोर्सेज एज 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 एवरी स्किल्ड ह्यूमन बींग इज जो आपके यहाँ जॉब्स कर रहे हैं या आपके साथ कंसल्टेंट है, यू हैव टू एम्पावर देम स्लाइटली विद सम इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार तो लैपटॉप इंटरनेट आपने अज्यूम कर लिया कि हमने डेटा मांगा है और वो बना के तो दे ही देंगे, पर आप ये सोचो ना पहले उन डेटा सोर्स करना है, उनके पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, उसको वो बनाएंगे आपके फॉर्मेट भेजेंगे, देयर इज अ ह्यूज स्केल इन्वॉल्व, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो धनंजय जी से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं, धनंजय जी आगे 1-to-150 इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लाना वो करना अलग अलग टाइम पे डेटा आएगा। देखो इट इज नॉट ईजी टू विन ट्रस्ट, खासकर व्हेन यू वांट टू गिव बेनिफिट्स टू पीपल, राइट। लॉकडाउन में तो ना आप कहीं जा सकते थे, हाँ आपको फोन में कॉन्टेक्ट बार बार समझाना पड़ता है कि, और लोग बिलीव भी नहीं करते थे कि एकदम से कैसे बैंक की स्टेटमेंट मांग रहे हैं। कई लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं उसमें तो हम क्या ही फ्रॉड भी बड़े करोड़ों रुपए रखे थे उन्होंने, जैसे मतलब वो कई लोगों ने सुना कि फ्रॉड भी होता है ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है जिसको नहीं दे, और जब वो 1500 मिलने शुरू हो गए तो सब लोग धड़ धड़ भेजने शुरू हो गए। अच्छा वो न्यूज़ फैल गई ना कि मेरे को आए, मेरे सारे आए, और उसके बाद तो डेट निकल चुकी थी, मैंने कहा अब तो नहीं मैं कर सकती क्योंकि उसके बाद करीबन 70-80 लोगों ने ऐसे और उसके बाद भेजे, हाँ 250 के बाद, फिर मैंने कहा नहीं मैं। और देखो जब जो लैपटॉप की बात है ना, इन सब कोई ऐसी चीजें होती है जैसे आप भी कोई काम बोलते तो कई दिन लग जाते हैं जी, दीदी के पास ऐसा नहीं कि हम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते या हो नहीं सकती, समटाइम्स शी इज सो ओवरवेल्ड विद थिंग्स हैपनिंग अराउंड, मैं ये मान सकता हूँ। ये जैसी काम करने लगती हैं किसी का फोन आ जाता है एंड उस व्यक्ति की, उस ट्रांसजेंडर की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है कि हमारा कोई भी काम पीछे रह जाता है, और ये हुआ है बहुत कि एमरजेंसी आ गई, अर्जेंसी आ गई, हॉस्पिटल भाग रहे हो, किसी की पिटाई हो गई है, मैंने तो बड़े केसेस सुने दीदी आपसे। अभी देखो ये जैसे किसी का काम नहीं हो पाता ना, जैसे अभी कोई ब्लड पीछे दो चार दिन पहले किसी को ब्लड चाहिए था, तो ब्लड में भी प्लेटलेट कम हो गए थे, प्लेटलेट कम होते, हाँ तो उसमें उनको कुछ चाहिए था, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही थी जी, ऊपर से फिर उस टाइम मैंने उसका फोन नहीं उठा पाई, हाँ तो बाद में फिर कहते अब काम हो चुका है, कहते हैं आप लोग कहते हैं अब तो एक्टिविस्ट हो, मतलब जब जरूरत होती तब तो कोई मदद नहीं करता, और एक्टिविस्ट को जब आप लोगों की जरूरत हो तब आपको होने कोई नहीं आता, तब कोई नहीं आता। अभी जब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का जो ये कैंप लगा था मेडिकल कैंप जी, तो मेरी तरफ से ही जो 60 लोग आए थे जी, वो सारे मेरी तरफ मैं ही लेके आई थी जी, ठीक है ना, और उसमें इतनी बारिश हुई, आप सोचिए
9:30 पहुंचना था और मैं 9:30 ही पहुंच गई थी जी। बारिश में ही मैं आई और मेरा आपको बताया था मेरा घर जहाँ पर वहाँ तो पानी गड़ा हो जाता है, तो मैंने एक्टिवा उस पानी में से लेके गई, मेरा जो पर्स था मेरी आधी साड़ी भीग गई थी। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेवारी पता है कि मेरी जिम्मेवारी, लेकिन वहां जब पहुंचे वहां कोई नहीं था, मतलब मेरे कम्युनिटी से कोई नहीं था, बाकी ऑफिसर्स तो सारे थे क्योंकि, और ऑब्वियसली वो तो गाड़ियों में आने थे, कारों सब लोग कारों में आए, मैं उनकी प्रॉब्लम भी समझते थे, लेकिन एक जिम्मेवारी में सबको फोन किया, कहती बारिश हो रही, मैं कहा मेरे लिए तो बारिश ही नहीं हो रही थी, मैं तो भगवान ने मेरे को तो बारिश ही नहीं की थी है ना, अगर आपको बारिश, मुझे भी तो बारिश हो रही थी, मैं भी तो एक इंसान को अपनी जिम्मेवारी, मैं ये सब चीजें अपने लिए तो कर ही नहीं रही हूँ, पानी गिर रहा है कि तेजाब गिर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, और वो सब चीजें मैं अपने लिए नहीं कर रही, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं जी। आपको वहाँ आधार कार्ड वाले बैठे थे, वोटर कार्ड वाले बैठे थे, राशन कार्ड वाले बैठे थे, ट्रांस आईडी कार्ड वाले बैठे थे, आपको जो पूछना था वहाँ पूछ सकते थे, वो मेरे लिए नहीं बैठे थे, वो सब आपके लिए, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आपको वो बनवाना ही बनवाना पड़ेगा जी। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, नहीं करते तो फिर रोने की जरूरत भी नहीं जी। अगर आपको रोना है तो उसके लिए सरकार भी और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी, एक तो देखो वैसे भी दुख झेल ही रहे हैं जी, है ना, तो थोड़ा अगर ओपन होके भी दुख झेल सकते हैं, दुख तो वैसे भी झेल ही रहे हैं है ना, पर अल्टीमेटली हम सॉल्व तो दुख को ही करना चाह रहे हैं ना, कि दुख झेल सारी जिंदगी थोड़ी कट जाए कि दुख झेल रहे हैं, नहीं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अगर क्लोजेट में जब आप हम आपने फिल्म बनाया तो सारा जो प्रॉब्लम फिल्म से पहले थोड़ी सी क्लोजेट कोल्ड ड्रिंक ले आऊं थोड़ी सी, नहीं नहीं क्लोजेट में थे तो ज्यादा प्रॉब्लम थी, आज आज मैं ये नहीं बोल रही कि उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जो हैरेसमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट थी, बुलिंग था, उस तरह का नहीं है, अब दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, मतलब खाने की है, रहने का ये प्रॉब्लम है, वो उस तरह के सेक्सुअल अब्यूज या रेप का वो तरह उस तरह, क्योंकि मैं अपनी अपनी आइडेंटिटी में हूँ, कोई इंसान टच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंसान थप्पड़ भी मार के इसको अगर कोई गलत बोलता है तो इंसान के अंदर हिम्मत होती है पूरी जी, उसका लड़ने की, उसके उसको देख के भी इंसान डर जाता है कि यार ये कहीं, लेकिन मैं यही लोगों को अपनी जो कम्युनिटी है उनको यही बोलूंगी कि दुख तो वैसे भी सारी दुनिया जिंदगी में, थोड़ा सा अगर बाहर आके ओपनली अपने आप को प्राउडली फील करो तो आज नहीं कल नहीं, आपके परिवार वाले नहीं माने माने वो तो कभी, इंसान जब आपके पास पैसा होता है तो सभी साथ में होते हैं जी, तो थोड़ा सा अपने दो कदम आप चलो, सरकार भी दो कदम आप आगे चलती है जी, तो सरकार, क्योंकि देखो ये सारा नंबर गेम है दुनिया में ना, सब पॉलिटिकली सब कुछ हो गया, राजनीतिकरण होता है जी, और राजनीतिकरण में क्या है कि लोकतंत्र में नंबर चलता है, लोकतंत्र में नंबर चलता है, जिसके पास जितना नंबर होगा वो जीत जाता है। अगर हमारे चंडीगढ़ में अगर बोल रहे हैं कि 5,000-10,000 लोग हैं ट्रांसजेंडर जी, तो वो ओपनली आए बाहर और अपनी मेजोरिटी दिखाएं, आपको 2 दिन में सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा 2 दिन में ही, और ये गारंटी मैं बता दूं, अपनी मेजोरिटी शो करनी होती है कि यस हमारा नंबर है। अगर मैं अकेले धनंजय बार बार मेरे को हॉस्टल, हमें हॉस्टल चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें राशन चाहिए, हमें वैक्सीनेशन चाहिए, अगर उन्होंने लगाया भी तो कितने लोग आ गए, 60 लोग आ गए, अगर 200-400-500 लोग आते, इसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज आता है या आपके पास इंटरनेट पे मैसेज आता है, आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है और ये चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड कर रहा है, एंड व्हेन द बोर्ड जैसी चीज़ सामने आती है तो डेफिनेटली इट मींस इट कम्स विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, इट कम्स विद द रिकग्निशन एंड इट कम्स विद राइटफुल पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, हु आर रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी, द राइट सेट ऑफ पीपल एज वेल। अगर आप ट्रांसजेंडर्स हैं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप क्यों नहीं आते हो, मतलब आपके लिए जब कोई चीज फ्री में कर रहे हैं तब आप बिलीव नहीं करते, जब आपसे कोई पैसे मांग ले तो फिर वैसे ही आप कहते हो कि आप हेल्प कर दो, आप हेल्प कर दो, जब आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं आगे आते। मैं तो ये भी कहूंगा कि जब एडमिटेड जैसी एक फिल्म फ्री में रिलीज की है तो क्यों नहीं लोगों से शेयर करते, क्यों नहीं लोगों से देखते, मतलब बहुत लोगों ने की है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने की है, पर जिस उद्देश्य से हम लोगों ने उस फिल्म को रिलीज किया तो वायरल होना चाहिए था। हाँ,
अगर हम एज प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को थिएटर में लगा देते तो हम श्योर लोग देखने जाते थिएटर में ये फिल्म, पर जब चीज लोगों को सामने ला के रख दी है तो लोग नहीं, बहुत ज्यादा उस आंकड़े में आके नहीं देख रहे। तो वही भी कह रहे हैं कि अगर 10,000 लोग हैं तो कम से कम 10,000 ट्रांसलेटर्स को तो ये फिल्म देखनी चाहिए कि हाँ क्या राइट्स हैं, क्या अवेलेबल है चीज़ें, क्या वो हैं, क्या क्या दीदी इसमें आपसी कोई जेलसी भी रहती है कि आपसी वो भी रहता है कि ये एक शेयर इग्नोरेंस है कि हाँ ये चीज़ है और हमें क्या फ़र्क पड़ता है इसको देखने से। देखिए हर चीज़ रहता है, बस जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो हर मसाले पड़ते हैं उसमें जी, नमक भी पड़ता है, हल्दी पड़ते, मिर्च पड़ते जी, तो जो चीज़ें होती हैं उसमें हर चीज़ रहता है, उसमें हर रंग रहता है, उसमें जेलसी भी होती है, उसमें इग्नोरेंस भी रहती है, मुझे क्या लेना है तो चल रहा काम। बहुत सारे लोग सेक्स वर्क में है, वो दिन में तो अपना मेल ड्रेस में आ जाते हैं, रात को फीमेल ड्रेस में, उनको लगता है हमारे को क्या लेना देना, हमें क्या करना उससे, हमारा तो पैसा कम है। और जो बाकी जो बाकी और सिस्टम में है वो भी बधाई वगैरह में, उनको वो उनको लगता है कि हमारे को क्या लेना देना है इस चीज़ों से जी, हमारे को लेना देना नहीं, हमें राइट्स क्या चाहिए, हम तो हमारे तो ताली बजाएंगे तो हम सारे हमसे भाग जाएंगे दूर। तो ये जो चीज़ें हैं इससे एक्सेप्टेंस नहीं आती कभी भी, है ना, ताली बजाने से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आती, या कोई किसी को जोर से या इंसान को धमकाने से, प्यार से सारी दुनिया जी सकती है। मैं किन्नर परंपरा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि किन्नर परंपरा जो अपने आप में विराट है, वो तृतीय प्रकृति है, भगवान ने खुद किन्नर बन के हाँ लोगों का उद्धार किया है जी, इस धरती का उद्धार किया। तो जब इन सब चीज़ों में हर जगह इम्पोर्टेंस रही है, दिन में है, दिन है, रात है, तो संध्या भी है, शाम भी होती है, शाम अपने दोनों रंग में होती है, सुबह दिन और रात का कम्बिनेशन होता है, तो हम भी दोनों जेंडर का कम्बिनेशन है, हमारे अंदर दोनों गुण हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, हालांकि हिस्टोरियन ने जितना लिखना चाहिए उतना लिखा नहीं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया, जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने इतना बड़ा उसको रंग दिया नहीं, या उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज भी नहीं लिख रहे लोग, मॉडर्न भी नहीं लिख रहा, अभी जितने भी इतिहासकार हैं, जितने मैंने किताबें पढ़ी उसमें ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक आध दो लाइनें लिखी हैं कि वो हरम गए होते थे, ऐसा होता वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। हालांकि ये तीसरी प्रकृति जो अगर सपोज जैसे हम लोग ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, छत है, ज़मीन है, तो दीवारें भी तो, दीवारों का क्या इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? दीवार के बिना तो छत और जमीन तो नहीं जुड़ गई है, जुड़ गई। इसलिए नर और नारी जो है उनके उनको जोड़ने के लिए या उनके साथ रहने के लिए तीसरी प्रकृति साथ में रही, तो उनका इम्पोर्टेंस कहाँ गया? जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करते तब भी हम लोग गायब हैं, या तो वो इंसान थे ही नहीं या वो इंसान रहे ही नहीं कभी, बीच बीच में हरम में राजा महाराजा ने अपने अपने इस्तेमाल के लिए, उन्होंने अपनी रानियों की रक्षा के लिए, क्योंकि देवर वेरी पोजेसिव, अपनी रानियों के लिए वो चाहते थे कि ये किसी के साथ इंटीमेट भी ना हो, तो उन्होंने बहुत सारे जो ट्रांस वुमेन थे उनको कैस्ट्रेशन करवाया, जबरदस्ती कैस्ट्रेशन, क्योंकि वो इस पे भी बड़े उनको दिक्कत थी कि वो पीनस के साथ ना जाए हरम में, तो उनका पहले कैस्ट्रेशन हो जाना होते थे, वो ट्रांस वुमेन थे लेकिन विदाउट कैस्ट्रेशन। तो ये जो कैस्ट्रेशन कब शुरू हुआ इसका कोई इतिहास में गवाह नहीं, लेकिन कैस्ट्रेशन अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए यूज हुआ, हर राजा महाराजा रजवाड़ों ने, मुगल बादशाह ने इसको अपनी तरह से यूज किया है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा तो यूनान में तो उसको वॉचमैन ऑफ द बेड कहते हैं, तो हरम की जो रानियां होती हैं उनके उनके वॉचमैन होते थे जी। सो इटली में भी हर जगह पे, बट ये कहीं इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिलता तो क्योंकि हमारा जो इतिहासकार मोस्टली शुरुआत तो अंग्रेजों ने की, और जो उससे पहले मुगल लोगों ने लिखी है और राजा रहे वो तो उनके दरबार में बैठे जो कवि थे लेखक थे उन्होंने तो समकालीन, वो इतिहासकार नहीं थे तो लेखक थे। अब आप मैं आपके साथ आपने कहा मेरी हिस्ट्री लिखो मेरे मेरे बारे में मेरे राज्य के बारे में लिखो तो मैं तो आपको अच्छा ही सो ये सब चीज़ें। और फिर बाद में जब ब्रिटिश इतिहासकार हुए तो उन्होंने तो बाइनरी में सारा कुछ लिखा क्योंकि ये तो ब्रिटिश जो कंसेप्ट था बाइनरी। उसके बाद जो बाद में जो लोग आए इतिहासकार इंडियन वो भी उसी को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े हैं और किसी ने कुछ इसमें खास किया भी नहीं है। अब थोड़ा बहुत जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में बदलाव आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। हमारी ट्रांस कम्युनिटी में भी ऐसा नो डाउट कि हर डेरों में भी अच्छे लोग भी हैं जी,
किन्नरों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ट्रांस लोगों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उनके तो जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने जो का बैगिंग में नहीं, आज वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं जी, अच्छी पोस्ट पे हैं। क्योंकि मैंने दीदी को देखा है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स की जॉब्स निकालती हैं या कोई पुलिस में सिलेक्ट होते हैं या कोई जज या एक लीगल लेवल पे बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, टीचिंग लेवल पे फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत सारे ना केस स्टडीज आती हैं। और दीदी को मैं कहूँगा कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, तो ये ना फर्स्ट 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 केसेस बहुत हाईलाइट करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये हुआ है, गढ़वाल में ये हुआ है, फलानी स्टेट में ये हुआ, ताकि वो अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली जिसको कहते हैं ना एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहे कि येस वी एग्जिस्ट एंड वी आर राइट देयर इन दैट इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे आप हैं, एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप नाउ बिकॉज वी आर मोर we are getting aware now. first का मतलब ये हमेशा अपने आप को मतलब एक मूवमेंट है, पर ये मूवमेंट है कि फर्स्ट मतलब कि हमें पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, हम आपके साथ ही रहे, लेकिन हम पढ़ाई तो मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से पहले भी की 93-94 में, लेकिन रिकॉग्नाइज मेरा जेंडर तो रिकॉग्नाइज नहीं था, वो तो मैंने उधार लिया, वो जेंडर था जी, मेल जेंडर था, मेरा उधार लिया समझ लो, क्योंकि फैमिली ने दिया था, मेरा अपना तो था नहीं वो। लेकिन 2014 के बाद 2015 में जब मैंने चेंज किया अपना, तो वो मेरा अपना जेंडर था, खुद डिसाइड करना। अब आप अपने धर्म को तो बदल नहीं सकते हो, आप शर्मा हो तो आप कुछ दूसरा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको क्योंकि इंसान के अंदर उतनी हिम्मत तो नहीं, वो इंडिया में क्या था, रिस्क लेना नहीं चाहता कोई, और क्योंकि उसको पता है कि अपने माँ बाप की प्रॉपर्टीज़ ये वो खानदानी प्रॉपर्टियाँ चलती हैं सारी हैं, कि फलाने इसकी खानदानी प्रॉपर्टी है, अपना तो वो कुछ नहीं बनाता, अपना बनाता है तो अलग बात होती है, ठीक है ना। सो जो चीज़ें हिम्मत जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ते, दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि वो डिसऑर्डर, जब हम डिसऑर्डर होते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि जब एक थ्योरी है मानव उत्थान की, मानव के प्रगति की विकास की, कि जब डार्विन का या और सिद्धांत में आते हैं कि जो जल से बाहर आया हुआ जीव जब बाहर आके रेंगना शुरू किया, रेंगते उसके पांव लग गए, चार पांव से वो पांव से फिर वो धीरे धीरे उसके पूंछ गायब हो गया, आंखें में पुतलियां जो प्रोटेक्ट करती है वो गायब, धीरे धीरे विकास क्रम में इतना आगे बढ़ गया कि दो पांव पे खड़ा हो गया जी, हम दो पांव पे खड़े हो, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकला होगा तब भी उसको डिसऑर्डर माना गया होगा जी, वो हमसे अलग हो गया, और वो जब जीव अलग हुए होंगे तो वैसे ही मैंने भी किया कि जो परंपरागत चीज़ें थी यूनिवर्सिटी से, अभी 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1882 में बनी थी लाहौर में, वहाँ पर भी अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, पर उसको PUNJAB लिखते हैं पंजाब जी, और हम लोग PAN लिखते हैं जी। तो 1947 के बाद यहाँ पर ट्रांसजेंडर तो पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, सब लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी में जब हम लोग डिसऑर्डर मतलब हम लोग अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर दूसरी आइडेंटिटी में चले गए, क्योंकि वो फॉर्म में कॉलम ही नहीं था कि आप टिक कर सको, कि आप सोचते हो या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जिस ऑप्शन अभी भी मुझे कन्फ्यूज, कई बार बहुत सारी जगहों पर मेल फीमेल होता और मेरे आधार कार्ड उसमें सब टी लिखा, तो वो लोग तो ये लोगों ने, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2014 में जजमेंट पास कर दी है, ये कौन लोग हैं जो 6-8-10 साल के एडवांस में फॉर्म छुपा के रखते हैं, मतलब एक फॉर्म ही छापने हैं, मतलब एयरपोर्ट में भी ऐसा ही था, कहाँ पे एयरपोर्ट में भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर मेल फीमेल ये लिखा होता, तो वो बस हमें अपने आप अंदाजे से कि मैंने साड़ी पहनी तो फीमेल, करेक्ट, तो अगर किसी ने जो ट्रांस मैन है उसने पैंट शर्ट पहनी है तो वो मेल, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अब ये तो मैं तो चाहती हूँ कि जेंडर न्यूट्रल समाज, ये जब मैं सभी को, मैं सरकार को भी कहूँगी कि जब भी कोई हॉस्पिटल में उनको बता दें जो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं उनको बोल दें भी जब तक वो बच्चा 5-7 साल का ना हो तब तक जेंडर ना लिखा जाए, ठीक है ना, उसका बायोलॉजिकल असाइन सेक्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये चीज़, वो जेंडर अपने आप भी अपना जेंडर खुद हम लोग सब डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ, आप अपना जो जेंडर उस समय मानते हो 5-6 साल के एज में जी, कोई भी मेल है फीमेल है, या मैं, मुझे फिर ये ना सोचना पड़े यार मेरे माँ बाप ने मेरे को
मतलब मेल लिख दिया मुझे, अब दोबारा जाके आधार कार्ड में चेंज करवाओ, इतने धक्के खाने हैं सब कुछ, मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन हूँ। और वो ये कुदरती तरीका है, नेचुरल प्रोसेस है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है ना, ये फोर्सफुली हुई है, ये अंग्रेजों से या जो जिन लोगों ने इसको डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया है कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर बायोलॉजिकल अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना? जैसे सही है ना? हाँ, जैसे आप आपके पास ऑलरेडी सब चीजें आ रखी कागज में, तो आप वही चीजें करोगे बार बार, मेल फीमेल, मेरा जेंडर कहाँ है इसमें? अगर उसमें जेंडर ना हो या उसमें लिख दिया जाए कि बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, बायोलॉजिकली सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स लिख रहे हैं कि वो ठीक है मेल है फीमेल या इंटरसेक्स, और जेंडर तो जेंडर से अलग हो कि आपने आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन या मेल फीमेल, तो ये सब चीजें हमें इसको सोच विचार करना होगा। मेरे कहने से नहीं, सभी को एक बार ही सारे कंसल्टेंसी होने चाहिए पूरे इंडिया में, सब लोग उसे पूछना चाहिए, इनका लगातार ये प्रोसेस होगा कि इसके लिए क्या किया जाए, ताकि बार बार जो इतनी बड़ी कॉम है ट्रांसजेंडर की, ट्रांस क्वियर लोग हैं, जेंडर न्यूट्रल लोग हैं जी, वो लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना जी। अगर सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, उन्होंने अपना तो डिसाइड कर लिया कि हमारा है ये जी, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एक इंसान भी कोई खड़ा तो उसका भी तो ह्यूमन राइट्स है जी। तो ये सब चीजें हमें आगे आने वाले समय में, 21वीं सदी चल रही है अभी, बिल्कुल एज अ कम्युनिटी, एज अ वर्ल्ड, जैसे हम एंटायर वर्ल्ड में हम ट्रैवल करते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल, आई थिंक अब हम शायद लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व वे में सोच लेना चाहिए चीज़ों को, कि एवरीथिंग एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग, हम सबको सब कुछ तो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल फ्रॉम जॉब्स, वाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग देम फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम लाइवलीहुड? अगर मुझे पता है कि बिना नौकरी किए मैं पैसे कमा सकता हूँ घर बैठे, मैं आई नॉक द डोर्स ऑफ पीपल से मुझे 5,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हें लगेगा पाप, तो आप मुझे दे दोगे 5,000 रुपये? कहोगे नहीं भाई साहब, आप तो बड़े हट्टे कट्टे आदमी हो, आप फिल्में बनाते हो, तो आपने देखा है, तो आप पैसे क्यों मांग रहे हो? कोई दोस्त एक बार दो बार हेल्प कर देगा, तीसरी बार तो नहीं करेगा। देन वाई आर वी कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग पीपल वेन वी नो दे कैन बी केपेबल? एंड हमसे कहीं ना कहीं ये बार बार गलतियाँ हुई हैं, कुछ लोग वाकई में ज़रूरत में हैं, एंड जो लोग ज़रूरत में हैं दे आर रीचिंग आउट टू धनंजय जी सो दैट शी इज़ एबल टू हेल्प। अगर आपने स्कॉलरशिप देनी है यू कैन कॉन्टैक्ट हर, यू नीड टू गिव प्रोवाइड ऑल द स्किल्ड एंड एबल ट्रांसजेंडर्स विद स्किल डेवलपमेंट, आप उनको उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, धनंजय जी इज़ द राइट पर्सन टू गेट इन टच विद। अगर आप उन लोगों को कुछ कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें देना चाहते हैं क्योंकि दे आर, ताकि वो आपके साथ काम कर सकें, इफ़ यू वॉन्ट सम रिसर्च वर्क टू डू विद देम, यू वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ योर थीसिस एवरीथिंग, सो यू नीड टू एनेबल देम, थोड़ी सी उनकी सहायता करें, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको रात को एक रिपोर्ट या एक डेटा इंटरप्रिटेशन आपको भेजें अगर वहाँ उनके पास लैपटॉप ही नहीं है, उनके पास इंटरनेट ही नहीं है, बिकॉज वो आपके और मेरे जैसे घरों में नहीं रह रहे हैं, उनके पास ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वो मोबाइल का हॉटस्पॉट चलाते हैं, घर में सिग्नल आता नहीं है, फाइल बनती नहीं है, फाइल अपलोड नहीं होती, तो छोटे छोटे लेवल पे अगर हम चीज़ों को वीड आउट करें तो हम बहुत सारा एक कम्युनिटी और साथ में हम एक उनको एम्पावर कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि मतलब आई कैन से दिस कि हम लोग रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट और हमारे सारे पार्टनर्स, हम क्लोजली ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम धनंजय दीदी के साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग मोर वर्क बेस्ड ऑन करिकुलम, बेस्ड ऑन जॉब्स, बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। एक्टिविस्ट होते हैं जी, जब वो डिसऑर्डर होते हैं उनके थ्रेट भी बहुत होते हैं, थ्रेट भी बहुत होते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, दो चार दिन पहले ही एक मर्डर हुआ है अभी पटियाला में ट्रांस वुमेन का। ओके तो क्लैशेस भी बहुत होते हैं, और इसमें हम जैसे जो हम लोगों के अंदर जागृति ला रहे हैं जी, जो सच बात बताते हैं, जो सच्चाई की तरफ चल रहे हैं जी, जो चीज़ों को वो सोसाइटी के नॉर्म्स, जो मतलब सो कॉल्ड नॉर्म्स, मतलब उसके
नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलाने की कोशिश करें, लेकिन अपने लिए जगह बनाने की, उन नॉर्म्स में अपने लिए भी जगह जी फिट करने की हम चाहते हैं कि हम लोग इस जगह फिट हो जाएं। बट क्या होता है कि उसके कारण जो मैंने आपको कहा लुक्रेटिव बिजनेस है जी, सो दे विल नॉट लाइक दिस कि ये बंदा कोई हमारा इतना बड़ा सिस्टम है इसको हिला रहा है कोई एंड किल हिम और किल हर, तो वो भी थ्रेट भी रहता है बिकॉज हमेशा से डर तो रहता ही है, कोई दरवाजा नॉक करता है तो 100 बारी सोचना पड़ता है यार इतनी रात को कोई नॉक कर रहे हैं कि मैं खोलूं ना खोलूं, है ना, तो कहीं क्योंकि कोई इंसान खुद तो मारने आएगा, वो सुपारी किसी को दे देगा कोई, अब इसको कोई कहे मैं कंप्लेंट कर दूं पुलिस में बिकॉज मेरे पास सबूत भी तो होने चाहिए जी, कोई ऐसा ये इसके बहुत तू कहते ना कि तू डाल डाल में पात पात, कोई किसी का सबूत आजकल रखता भी नहीं जी, पुराने जमाने में था कि लोग बहुत नरम दिल के होते थे इन चीजों में, बड़े डरते थे जी कि नहीं नहीं, अब तो किसी पे केस हो भी जाए तो कोई बहुत छोटी मोटी बात माना कि बंदे आते ही केस बनते हैं, है ना, ऐसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मार भी दें मेरे जैसे को मार भी दें तो क्या फर्क पड़ता है किसी को, सो ये बड़ी बड़ी कभी कभी चीजें दिमाग में रहती हैं, मैं बोल तो देती हूँ जी सच्चाई जी सच बात बोल देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है यार क्या मुझे झूठी बोलते रहना चाहिए क्या, आप बताइए हमें कि इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं कि क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, क्या हम अपनी बात दिल की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस जो हमने ढूंढे हैं क्या उनके उनके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते, धनंजय दीदी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं बिल्कुल, और इन सब दिक्कतों के बावजूद जब हम पोस्ट वगैरह डालते हैं जॉब्स वगैरह अपने लोग तो कम पूछते हैं, बाकी लोग दुनिया के जो मेल फीमेल वो ज़्यादा पूछने लगे कि जॉब लगवा दो तुम तो इतने लोगों को जानते हो, भाई मैं उनको बोलती हूँ भाई मेरे पास तो खुद भी नहीं है इतना सारा सिस्टम, कहते तुम तो इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हो, डीसी के साथ फलाने के साथ कमिश्नर के साथ बैठे गवर्नर के साथ बैठे राष्ट्रपति के साथ, तो अब मैं अपने फायदे के लिए तो नहीं बैठती हूँ या मैं मुझे शौक तो नहीं फोटो खिंचवाने का, वहाँ पर तो हम पॉलिसी मेकिंग में है, हम लोग पॉलिसी चेंज करवाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कि मैं अपने भाई भतीजे बात जो है कि मेरे बच्चों को लगा दो, मेरे भाइयों को लगा दो, मेरे बहनों को लगा दो, मेरे फलाने बंदे को लगा दो, ऐसा तो नहीं, मैंने आपको पहले कहा था हम रास्ता खोलने वाले लोग हैं, आपको अब खुद आना है उस रास्ते में चलना है, नहीं चल सकते तो ये तो अब कमजोर लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, अगर मैं कमजोर होती मुझे डर होता कि मैं साड़ी नहीं पहननी है तो मैं कभी भी साड़ी ना पहनती, इंसान को ढीठ तो बनना पड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए बाहर तो आना ही पड़ता है, डरने वालों के लिए इसको इस दुनिया में आप देखते हैं डिस्कवरी सभी लोग देखते हैं, डिस्कवरी में आप देखते हो मसाई जो नदी है मसाई मारा सरंगेटी में जब देखता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पलायन होता है माइग्रेशन होता है किसका, विंडरगेस का, ये जेब्रा का, जब वो लाखों में चलते हैं और जो वो मसाई रिवर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, मसाई रिवर के पास खड़े होकर वो जो विंडरगेस का देखते हैं वो नील गाय देखती रहती है क्योंकि उसमें तो मगरमच्छ बैठे हैं, ठीक है ना, अब उसमें पहले छलांग कौन मारेगा, अब पहले छलांग मारने वाला तो वो विजेता होगा, उसको तो या तो मर जाएगा या वो आगे पार कर जाएगा तो उसको कूदना तो है ही है, एक बारी एक जेब्रा या एक नील गाय कूदी उसके पीछे हजारों फटाफट वो कुछ मर जाते हैं कुछ में वो खा जाते हैं मगरमच्छ खा जाते हैं, लेकिन वो पार तो करना ही होता है, अब हम सोचें कि नहीं इसमें मगरमच्छ है हमने जाना ही नहीं तो उस जगह हरी हरी घास कौन खाएगा उस साइड में, लाइफ साइकिल जो हम पढ़ते हैं ना छोटे होते हुए वो चीजें हंसी मजाक वाला है कि हाँ, ये जरूरी है तो एक बंदा होता है वो नदी में नदी किनारे खड़े होते हैं जी, तो कोई उसमें डूब रहा होता है जी, तो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं तो वो कि इसको बचाओ बचाओ बचाओ, और अच्छा वो एक बंदा उसमें कूद जाता है, उसको चलो बचा तो लेते हैं उसको ले आता है किसी तरह, भगवान उसके साथ हो गए कहते हो, फिर उसको लाते हैं ऊपर इनाम किताब ऊपर स्टेज में खड़ा करते हैं, वाह शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, उसके इंसान बच्चे की जान बचा ली तुमने, फूल माला ये वो डालते हैं उसका खूब सम्मान करते हैं, कहते हैं ये तो छोड़ो पहले
ये बताओ धक्का किसने मारा तो होता है कभी ऐसा हमारे साथ धक्का भी मारा। तो वो जब नील गाय और जो जेब्रा है इतनी मतलब इतना डेंसिटी होती, इतना खचपच खड़े होते हैं वो लोग, तो हो सकता है उसका विल ना हो जाने का, थोड़ी सी फोर्स पड़ जाती है। पीछे से धक्का किसी ने मारा, वो धड़ाम से नीचे गिरा, उसने आगे तो चलना ही। फिर अब हम भी हैं, हम लोग भी जब सारी जिंदगी 40-45-42 साल तक 43 साल तक सोचते रहे अरे यार साड़ी पहने कि ना पहने, पहने कि ना पहने दुनिया वाले, लेकिन ऐसा कोई धक्का तो लगता ही है, चाहे जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ तो आता ही है ना कि नहीं अब पहनना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो एक बार ही ओपन हो गए, लोगों ने देख लिया। मैं यहाँ पर हमारा कुछ कोई प्रोग्राम था, इवेंट था, और मैं हमेशा से अपने पड़ोसियों से इन सबसे दूर रहती थी कि ये लोग ना देखें मुझे, क्योंकि उससे मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो गई, मेरी फैमिली को सुनना पड़ेगा, सौ बातें सुननी पड़ेंगी, छक्का ही जुड़े इनके फैमिली वाले ये हैं वो हैं, तो हमेशा दूर रहते। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मेरे घर के पास में है जी, और सारे लोग यहीं काम करते हैं, सारा दिन तो यहीं देखते रहते हैं मुझे वो साड़ी में ही। मेरे साथ में पड़ोस में रहने वाला भी मेरे डिपार्टमेंट का बंदा था जी, तो ऐसा वो मेरे दिमाग का फुतूर था कि एक होता है ना कि कबूतर होता है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है मेरे को मैं बच जाऊंगी, मुझे कोई नहीं देख रहा मुझे खाने, लेकिन मेरे को तो सभी देख रहे हैं क्योंकि मैं अपने शहर से हूँ। यस, और मेरे घर बिल्कुल, मेरे फादर तो यहीं से रिटायर हुए, मैंने यहाँ से जॉब की, सब कुछ किया मैंने। तो कोई इवेंट था अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले, और मेरे घर के आसपास के सभी लोग आए थे। अब ये उस पे भी हुआ था, फिल्म की लॉन्च पे भी हुआ था, तो सारे पीछे रोज भर गई थी और मुझे पता था कि वो सब आए। अब देखो मेरे मेरे घर के नहीं, मेरे जहाँ कॉलोनी के सभी लोग वहाँ खड़े थे जी। तो अब मुझे बोलना था, मुझे भाषण देना था। अब मैं मास्क लगा के तो नहीं दे सकते थे, तो मास्क तो उतारना ही था। मैं कहा देखिए धनंजय, दुनिया को तुम्हें सब जानते तो है ही है, अब मुझे तो सबके दिमाग के बत्तियां खोलनी है, सब जगानी है जी, और दुख तो होता ही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि सभी ट्रांसजेंडर को दुख तो होता ही है, पीड़ा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक बार उतरना होता है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है उन चीजों के लिए। आप उनको फिर जब आप एक बार कॉन्फिडेंस कहेंगे, देखो मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था अपने आप को मोटिवेट, मुझे किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने नहीं मोटिवेट किया जी। मेरे खुद की जो संघर्ष है, मेरे खुद के अंदर से आवाज आती कि तुझे ही उतरना है सर जी, तुझे ही इनसे लड़ना है, तूने इनके जो जो इनके सोच है इनको बदलना है जी। अब वो सारे 20-25 लोग मेरे घर के आस पास के लोग मुझे देख रहे हैं, और बाद में मुझे वो मेरे को मैम मैम करके बोल रहे हैं, कोई गुरु जी बोल रहा है, कोई मैम बोल रहे हैं, कुछ पाँव छू रहे हैं। तो एक फिर मुझे लगा यार मैं तो खामखा वैसे ही डर रही थी है ना। और एक अभी कल परसों एक इवेंट था, वो वहां पर मेरे बिल्कुल पड़ोस में उनके घर के लोग मेरे घर पे आते जाते हैं जी, उनका हस्बैंड वहाँ होटल में कुक है जी, वेटर है, तो वो आया तो पानी वानी दिया। मैं सोचू मास्क उतारू कि ना उतारू, फिर उस स्टेज में तो मुझे ही बोलना था, स्टेज पे जब बोलने लगी तो मैंने फिर अपनी सारी बातें बताई, जेंडर क्या होता है, सेक्सुअलिटी, लोगों के टैबूज क्या है, टैबूज क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है लोग, फिर उनको मुझे पता था ये बंदा ऐसे समझेगा नहीं साइंटिफिक लैंग्वेज, फिर मैंने माइथोलॉजी से उछालना शुरू किया बातें। सो तो आपको पता आपके ऑडियंस हर लेवल पे कनेक्शन बनाया मुझे, मैं समझता हूं आपको पता आपके ऑडियंस में कौन लोग बैठे हैं। एब्सोल्युटली, तो आपको अगर लगता कि धार्मिक लोग बैठे तो वैसे ही बात छेड़ना, अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं तो धार्मिक बातें करने का फायदा नहीं होता, तो साइंटिफिकली या लॉजिक से चलते हैं वो बिल्कुल। अगर साइंटिफिकली या सोशल हैं लोग, सोशल वर्कर हैं, तो आपको वैसे ही काम करना हो जी। आप क्योंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ, सोशल वर्क भी पढ़ा हुआ जी, थोड़ा साइंटिफिकली ह्यूमन राइट्स भी, हर चीज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या क्या बातें हो रही, मैं विजिट भी किया, प्रैक्टिकल भी काम किया, सब कुछ किया, तो मुझे पता है मेरे सामने कौन बैठे हैं। और कई बार हिंदी साहित्यकार लोग हैं, वो मेरे बारे में इतना गलत बोल रहे थे पहले। वो हुआ था, वो क्या हुआ था उस बारे में, तो उन लोगों को लगा कि नहीं ये तो नकली लोग हैं, ये तो सब चीजें हैं, ये तो बाहर रहते हैं, ये फलाने ये परिवारों में रहते हैं, ये ऐसा वैसा है, ये लोग नकली हैं, इसने तो जेंडर चेंज किया। तो फिर मैंने इतना हार नहीं माना, तो मैं हमेशा से बार बार आपने भी धूल चटाई कर, हाँ ये करना पड़ता है। When you are misinterpreted,
समटाइम्स, और एक आधा कोई लिखे गलत बात, चलो ठीक है, बट पीपल इवन डोंट नो यू पर्सनली, दे विल, वो आपके बारे में पर्सनल रिमार्क्स लिख देंगे, वो आपकी ओरिएंटेशन के बारे में कुछ लिख देंगे, जेंडर और सेक्सुअलिटी को मिक्स कर देंगे, हालांकि वो एक होकर भी अलग है, अलग होकर भी एक है, जेंडर और सेक्सुअलिटी, जेंडर के साथ सेक्सुअलिटी भी जुड़ी है, यस, है ना, वो अलग भी नहीं हो सकती और अलग भी है, क्योंकि तभी दो चीजें हैं। हाँ, अगर दो चीजें एक ही होती तो दो वर्ड क्यों बनाते, जैसे कहते हैं परमात्मा आत्मा हमारे अंदर है भी और नहीं भी, हम कोशिश करेंगे तो अंदर है, तो ये सब चीजें हम लोग जब उसको ध्यान से सोचते हैं ना, मनन करते हैं, जब मनुष्य मुनि बनते हैं, मुनि मतलब अंदर से, तो जब पढ़ते हैं सुनते हैं ये जो श्रुतियां, मतलब जब वेद के मंत्र होते थे वो श्रुतियां बोलते थे, तो सुनना मतलब सुनते थे, सो ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, और फिर जब आपको पता है मैं उस रास्ते पे निकल गई हूँ जी, और मुझे हजारों लोग, या तो मैं यहाँ से भाग के मुंबई चले जाती है ना, पुणे चले किसी और शहर में चले, मेरे को क्या पता, मैं किसी बताती ना कि मैं कौन हूँ, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे है, पर मैंने तो रिस्क ही बड़ा बहुत तगड़ा लिया। दीदी एक चीज मेरे को बताओ कि कुछ मैंने लोगों से मिला हूँ, वो थोड़ा बनावटी लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं, आप जैसे बहुत, आप धनंजय जी से मिले हैं बिल्कुल जो हम हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल खुल के, जैसे दीदी बात कर रहे हैं, बाकी लोग बड़ी बनावटी भाषा में बात करते हैं, कुछ जो जैसे जो मे बी चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, क्या वो अपनी चेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी करते हैं कि हाय आई एम दिस, बहुत सारी चीजें, अपने आप को ना, अपने आप को एक अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, हालांकि अलग आपके बोलने से, इन सब चीजों, कपड़ों से अलग दिखता नहीं कोई इंसान, वो आप, मैंने पहले भी था, काम से दिखता है, जब आप काम करते हो ना बढ़िया तो आप अलग नहीं, तो भीड़ में फेस इन द क्राउड जो है ना, जो भीड़ में अलग सा चेहरा नजर आता है, वो इंसान मेरे साथ तो हजारों लोग बैठने की कोशिश करते हैं साथ, बिकॉज मैं वो बनावटी चीजें नहीं करती कि मैं लकी वन हूं, मैं इस आवाज को भी बदलना है, रुद्र से बात होती है, वो कई बार बोलता है कि इनकी आवाज पतली क्यों नहीं होगी, सर्जरी करवा लेते हैं पतली, मुझे तो अपनी आवाज पसंद है, मुझे अपनी आवाज पसंद है, क्योंकि मैं गाना, मैं क्लासिकल पसंद है मुझे, तो मुझे आप एडमिटेड देखें और आप दीदी के गाने भी सुने, हाँ जो बेस होता ना आवाज का, उस शाउट ऑफ को आप नहीं कहोगे कि यार अपनी बिल्कुल नहीं, अपनी आवाज नेचुरल है, बिल्कुल आवाज आपकी अपनी है, उस आवाज में जितना दमदार, अगर मैं इसको, आप किस मेरा गला पकड़ दोगे सर्जरी करके इसको स्ट्रिंग कर दोगे तो मेरी बिल्कुल पतली आवाज हो जाएगी, तो उससे मैं कितना चिल्लाऊं किसी को, आप दमदार आवाज में बात नहीं कर सकते भाई। और दूसरी बात जो ये चीजें ना टैब, ये सब सर्जरी वर्जरी ये अपने लिए होती है, किसी और के लिए नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता तो मत करवाइए, क्योंकि किसी के लिए आप ये कुछ भी नहीं करते, आप सच्ची में बताएं कि आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट, आप अपनी आइडेंटिटी किसी के लिए बदल सकते हैं क्या, आवाज मतलब आप इसी के लिए चलो अपना काम बदल सकते हो आउट ऑफ लव, चलो कोई फैमिली की या कोई भी कंपल्शंस रहती हैं या कोई भी रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रहती है, आप अपनी पढ़ाई बदल सकते हो, शायद मुझे लग रहा है कि मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं या मुझे, या मेरे घर में लॉयर्स हैं, मुझे लॉ पढ़ने की जरूरत है, हो सकता है मैं अपना पैशन बदल दूं या मैं अपना करियर बदल लूं, बट मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहूंगा उसके लिए। एक और मैं आपको बताऊंगी, वही इंसान अच्छा सच्चा होता है जो अपनी आइडेंटिटी को मिसयूज नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना, आइडेंटिटी का एकदम आइडेंटिटी बदल के भीख मांगने चल जाओ, ये आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन होता जो अपनी, वो लोग हमें मानते हैं, मैं रुद्र और मैं बात कर रही हूं जी, कि ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन वो होते हैं जो बचपन से सोचते हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं, आपने कहा कि मैं वो डायरेक्टर बनूंगा, प्रोड्यूसर बनूंगा फिल्म, है ना, तो लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि मैं औरत बनूंगी, और जो ट्रांस मैन है रुद्र है वो अपने आप को वो लड़का बनेगा, तो हमने ये तो नहीं सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी, ये तो चलो ठीक है हमने काम के लिए तो जो मुझे पसंद है वो तो कर, लेकिन मेरी आइडेंटिटी ये हमारे अंदर हमारे सराउंडिंग्स इंड्यूस करती हैं, क्योंकि अगर हमें मिसमैच लगता है तभी तो हम कहेंगे कि पहले मैं बड़े होकर औरत बनूंगी, ये बचपन से ही ऐसा इंड्यूस्ड होता है, और वहाँ जब स्टार्टिंग से मिसमैच होने लग जाता है तो सबसे पहले इंसान सोचता है कि पहले मैं अपनी जेंडर और अपनी आइडेंटिटी को ओवरकम करूँ, क्योंकि
इनिशियल ईयर्स उसी के स्ट्रगल में निकल जाएंगे तो ना पढ़ाई पे ध्यान जाएगा ना ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान जाएगा। अभी तो मैं इसका एग्जांपल आपकी लैंग्वेज पे दूंगी, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जब सिग्नल वीक होता है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, हमारा ब्रेन जो है बॉडी से मैच ही नहीं कर पाता, सिग्नल आता है बंद हो जाता है आता है जाता है, हेलो आवाज आ रही है, वो ब्रेन जो अपने आप को आइडेंटिफाई वो आपको नहीं पता लगेगा ना किसी दूसरे को इंसान। अब मुझे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपसे पूछे ना हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, जी डॉक्टर क्या पता आपको देखते हैं यार इसको तो डायरिया हो गया, इसको फलाना हो गया, इसको ये हो गया, वो आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तो भी आपको चेक करेगा, फिर भी वो हर चीज देखेगा, सबका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद कन्फर्म। अब जब इंसान को कोई बीमारी ही नहीं है, एग्जैक्टली कोई बीमारी नहीं है, उसका ब्रेन वो डिसऑर्डर भी नहीं है, वो कुदरत के इंसाब से वो सही है जी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड, शायद वो ब्रेन और ब्रेन और बॉडी का मैच हो भी सकता था, बट अगर सोसाइटी सपोर्ट करती ठीक है मेरा शरीर जैसा मर्जी है मुझे क्या फर्क है, जब मेरा एक्सेप्टेंस है मुझे सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, अगर मुझे लड़की मानते तो लड़की मानते, मैं तो लड़की हूँ। लेकिन बार बार इसका अंडरवियर में क्या है, तुम्हारे सेक्सुअल पार्ट कैसे हैं, तुम्हारे नीचे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारे नीचे, सो ये सब चीजें जब दिक्कत करती हैं तो इंसान बोलते हैं यार ये तो बार बार कहीं मेरे अंडरवियर ही नहीं खुलवा दें, तो फिर इंसान सोचते हैं सर्जरी करवा लो, बाद में कल को ये ना हो कि ये कहें ये तो नकली है। तो ये कौन है ये लोग जो ये अपने अंदर डिसाइड करते हैं कि कौन इंसान असली है और कौन इंसान नकली है, ये कौन है जो लोग डिसाइड करते हैं? ये खुद ही इंसान के, इवन के हमारे हिजड़ा कम्युनिटी में भी असली नकली का बहुत बड़ा फंडा है। अच्छा, जो कैस्ट्रेटेड होते हैं, कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उनको लगता है कि असली हो गए अब। अच्छा, उनको खुद भी पता, वो उसी दौर से गुजरे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने फेज नहीं किया, उन्होंने सब देखा क्या, उन्होंने उनको लगता है कि उन्हें सोसाइटली थोड़ा सा हार या डिफीट या उनके आगे तो वही बात है झुकना पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने इस चीज से अंडरगो की अब तुम्हें भी करना है। ये तो वही बात है, अगर आप पहले गरीब थे आज अमीर हो गए तो आप गरीब घर के नाक बंद करके जाओगे, इस घर में छी ऐसा। लेकिन जब हम सोचे अपने 20-25-30 साल पुरानी बात सोची, यार मैं भी तो उसी झुग्गी से निकला हूँ, एग्जैक्टली कल को कोई कहे कि नई नई अच्छी चीज और वो उसका बैकग्राउंड चेक किया तो वो उसी बैकग्राउंड से निकले हैं, राइट, ठीक है ना। ये सब ऑलमोस्ट सभी से हो, आप हमारे जो पुरखे थे वो बहुत अमीर नहीं थे, गांव देहातों से निकले हैं, अगर आज हम लोग गांव देहात में जाते हैं तो हम लोग नीचे बैठना ही शर्म करते हैं, हम पत्तल में भी नहीं खाते हैं, हम हाथ से भी नहीं खाते हैं, वो इडियट माने जाते हैं, मतलब हाथ से खाने वाले की मतलब अनएजुकेटेड, इनको एटिकेट्स नहीं है जी। सो अब आप सोचिए इसी से मैच करके उसको देखें कि जो कैस्ट्रेशन हो जाता है, जब वो कैस्ट्रेटेड नहीं होते ना, जब उनकी सर्जरी नहीं होती तो सब एक जैसे, यार मेरे को ना बेइज्जती करते हैं, हम एक जैसे एक दूसरे को नहीं पॉइंट करते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा उसका सर्जरी हो गई तो फिर उसको तो कोई डर नहीं हो, तो जिसको मर्जी गाली, देखो मेरा तो कुछ भी नहीं है। जब आप स्कूटर पे घर से यूनिवर्सिटी आते हो तब रस्ते में क्या सोचते हो? रस्ते में तो सब लोग मैं तो वैसे कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं क्या सोचू, मन में क्या चल रहा है, ज्यादा रहती हूँ, मुझे वहां पे हाँ बस एक जगह पे जब सोचना पड़ता है मेरे को, जब रेड लाइट आती ना वहाँ खड़े होते सब लोग मेरी तरफ देख रहे होते ना, तो फिर मैं इधर उधर देखती हूँ, मेरी तरफ देख रहे होते हैं, फिर मैं भी अपने आराम से खड़ी हो जाती हूँ सेलिब्रिटी की तरह, ये मुझे देख रहे हैं सब लोग। क्या आप कमेंट करके बताएंगे धनंजय दीदी अब हमारे रियल लाइफ सेलिब्रिटी हैं? मेरे हिसाब से तो हैं। I am fabulous. She is fabulous. She is definitely one of the most fabulous ladies that I have ever met. और यही मुझसे बार बार भी इंटरव्यूज में पूछते थे कि आपने एडमिटेड क्यों नहीं? मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं मतलब बार बार की जब हम खुद फिल्म फेस्टिवल से वापस आ रहा था, जुबान फिल्म लगी थी, अगले दिन न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ थी, इधर मैंने जुबान was on some other segment of the newspaper, it was in the lifestyle and the entertainment part, on main edition se maine padhna shuru kiya newspaper, to wa main edition mein Dhananjay Didi the, to and that is how fir maine kaha ki main Dhananjay Didi se milunga, and I
मुझे मिलते ही वो क्या रहता है ना कि जैसे ही दीदी चल के आए एंड तभी मेरे को पता लग गया था कि ये फिल्म मैं पक्का करूंगा, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड अभी एक बात बीच में और बता, कल एक लड़के का मैसेज आया कि तुम कहीं उसमें प्रोटेस्ट में भी थे, कौन से प्रोटेस्ट में, मतलब हाँ कोई भी था एक जैसे अभी किसी की डेथ हुई तो अच्छा किसानों के, तो उसमें मैंने तुम्हारी फोटो देखी कि क्या तुम थे वो, कहते मैं तो जूम करके देखे कि फैबुलस लेडी कौन है, इतनी फैबुलस लेडी मतलब हाँ। इतनी सुंदर लेडी कौन है हाँ। ना चमकदार इसका फेस पे चमक हाँ। क्या तुमने कहा देखा था, मैंने जूम करके करके देखा उसको तो मैंने कहा यार हाँ मैं ही थी, कहते हाँ। यार तुम तो बदल गई हो बहुत पूरी। मैं कहा ये तो देखो कुदरत का होता है, जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना जी, 50 साल में भी कोई बुढ़ा नहीं होता। कौन है किसी ने खबरदार 50 साल के किसी भी व्यक्ति को बुढ़ा कहा, और 50 साल के किसी भी आदमी ने खुद को बुढ़ा कहा तो मैं ऑफेंस ले जाऊंगा। बूढ़े कोई नहीं होता, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, बूढ़ा कोई नहीं होता, बूढ़ा इंसान दिमाग से हो जाता है, सोच बूढ़ी हो जाती है, सोच डिटेल ओरिएंटेड। कील ठोक ना पक्की दीवार में मत ठोको, जब निकालना भी निकालो भी तो उसमें निशान पड़ जाए। ऐसा चीज करो कि जो हर चीज में आप जैसे अगर कील ठोकते हैं आजकल तो वो स्क्रू वाले आ गए ना हाँ जी, तो खोल भी सकते हैं आराम से। इस तरह से करो कि जो दूसरा दूसरी जो भी चीज है उसमें सीट सेट हो जाए, ठोको मगर प्यार से। अब दूसरे पुराने जमाने में दीवार तोड़ी जाती थी, ठोको उसको ठोको ठोको, लेकिन आज तो स्क्रू मिलते हैं उसमें, आप सब लोग समझ रहे हो कौन सा स्क्रू वाले पेच वाले, सो उसमें दूसरा वो टूट गया तो दूसरा लगा देते उसमें। तो ये सब चीजें हर इंसान को स्पेस देना चाहिए हाँ। मैंने इसलिए स्क्रू वाला किया। फनी फनी मैसेजेस क्या आते हैं आपको, फनी फनी कमेंट्स क्या आते हैं? पहले तो ये बताओ लोगों को कि एडमिटेड देख के लोगों ने आपको क्या क्या लिखा, जब एडमिटेड देखी आज भी लोग देखते हैं और लिखते हैं। मैं अभी भी अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, किसी और एक इंस्टाग्राम पे उसको फॉलोअर्स 60,000 करीब थे हाँ। और मेरे 4,000 भी नहीं पूरे हाँ। तो वो कह रही कि मुझे, मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, कहती आपके जो जो फॉलोअर्स हैं वो जेन्युइन लोग हैं। बहुत सब अगर आप भी थोड़ा सा बिकने उकने डाल के हाँ, है ना, पर हाँ, आपके ऊपर सूट नहीं करेगा हाँ, आप उस तरह का कोई करेक्टर ही नहीं हो हाँ, तो आपके फॉलोअर्स तो इतने ही रहेंगे वो जेन्युइन लोग। मैंने आपको कहा उसमें फिल्म में भी बोला कि 60% लोग जो है हमेशा आपके साथ, कुछ और कुछ आपके फेवर में नहीं भी होते, नहीं होते तो नहीं। पर लोगों ने क्या लिखा आपको, क्या क्या मैसेज पर्सनली, क्या क्या कुछ जो कोई बहुत अच्छे से याद रह गई हो बात, किसी की कोई एक बात खास? ऐसे तो बहुत सारे मैसेज, लेकिन जो जैसे मैसेज होते हैं कि तुम हमारे आइडियल हो, और कल भी मैंने एक ग्रुप में किसी ने ऐड कर दिया मुझे, उसमें 200-300 पता नहीं ऐसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप था, मैंने कहा देखो इसमें तो लड़ाइयां कुत्ते खानियां हो रही है, हिजड़ों का ट्रांस का एलजीबीटी का आपस में लड़ाई कर, मैंने कहा यार इसको डिलीट कर दो ग्रुप को, फिर मैंने अपनी एडमिटेड उसमें डाल दी हाँ। फिर उसमें धड़ाधड़ मैसेज आने के, दीदी आप हमारे लिए एक टॉर्च किस तरह हाँ। जो सूर्य होता ना सूरज की तरह हो, और आप तो रोल मॉडल हो, आपके कारण हम लोग इतना ज्यादा आगे, इतना लोग हमें रिकॉग्नाइज भी करें चंडीगढ़ मोहाली, अपने एटलीस्ट पहले जमाने में पुराने 10-20 साल पहले तो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे गंदा, और कुछ एनजीओस काम भी कर रही थी एलजीबीटी के, लेकिन वो समोसे से मुझे खिला के भेज देते थे, जैसे कोई ऑफिसर आता था तब बिठा देंगे 60-70-80 लोगों, लेकिन जैसे ऑफिसर जाएंगे उनको भेजो अब भेजो इनको फटाफट, तो उनकी तो इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन आज वी आर इन फ्रंट लाइन, हमारे बिना मैं बहुत सारी पार्टियों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, मैं कहा मैं झंडा पकड़ने नहीं आऊंगी हाँ। कितना शुरुआत तो नीचे से करनी पड़ती, मैंने कहा 20 साल में शुरुआत ही कर दी हाँ। 20 साल से मैं शुरुआत ही कर रही हूँ हाँ। अब मैं पीछे खड़ी होने वाली नहीं हूँ हाँ। अब मेरे को समोसा खिला के नहीं बेचूंगा, मैं कहा चाहे बेशक मैं सारी जिंदगी गरीबी में रह लूंगी बिना सीट के रह लूं, लेकिन मेरी अपना रुतबा है, अपनी पहचान है, अपना स्टेटस है, मैंने आप लोगों से ज्यादा संघर्ष किया, आप लोग तो पैसे के हिसाब से सीट पे आए हो। बड़ी डिमीनिंग चीज बोली अगर किसी ने भी बोली है कि आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, आप जरा उम्र देखें, ओहदा देखें, आप जरा डिग्रीज देखें, आप जरा काम देखें, और आप ये देखें कि कौंसल जनरल ऑफ कनाडा से लेके डीसी से लेके वाइस चांसलर से लेके शहर के जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो आपके बारे में क्या बात करते हैं,
और आप आज भी अगर 200-400 रुपए वाली बात करते हैं तो मैं कैमरे पे बोलता हूँ कि हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं अगर आप हमारे बारे में से सोचते भी हैं तो। एक बंदा था जिसने बात किया मेरे को, किसी पार्टी का था, मैं नाम नहीं लूंगी, वो अपनी पार्टी से जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैं पूछने वाला था कि आपको तो पॉलिटिकल पार्टी से भी काफी ऑफर आ रहे हैं। अलग अलग मैं एक पार्टी से अलग अलग पार्टी की बात कर रही थी लेकिन नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। अभी दूसरी पार्टी के नाम ले लूँ मतलब बात कर रही। तो उन्होंने फोन किया कि हमें ना आपको आपको आना है और आपको वहाँ पर आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग ट्रांस कम्युनिटी को हम हेल्प करना चाहते हैं, तो जितना वहाँ सोशल वर्कर हैं वो सभी आएंगे। तो मैंने वो थोड़ा सा मुझे ना, आप बुरा मत माना, मैं थोड़ा सा घमंड भी रहता है, घमंड मतलब ये नहीं कि अपनी एजुकेशन का भी, पहले मैं पूछ तो लूँ कि क्या चक्कर है ना। एग्जैक्टली, इसको घमंड नहीं कहते, देयर इज नो एरोगेंस इन इट। आई थिंक अब शी इज मोर इन्फॉर्म्ड, मतलब कि लोग मिसयूज करते हैं तो अब हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पूछना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये हम ट्रांसजेंडर को हेल्प करना चाहते हैं, वो बेचारे ऐसे होते हैं वैसे। मैं कहा देखो सोशल वर्क का मतलब ही पता है आपको, तो आई एम नॉट झूला छाप सोशल वर्कर, आई एम प्रोफेशनल सोशल वर्कर। मैंने MSW किया हुआ, मास्टर इन सोशल वर्क, सो आई एम प्रोफेशनल सोशल वर्कर। मैंने उनके एक 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 चीज, हर चीज पूरा मतलब एक एक पोथी खोल के एक घंटे तक उन्हें क्लास नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला बीच में। बाद में कहते ओह, कहते हम तो आपसे हेल्प देने को कह रहे थे लेकिन अब हमें आपकी हेल्प चाहिए। सो लोग कई बार क्या होता है, एक जज कर लेते हैं कि यार बेचारे ये सब इनके हेल्प करनी चाहिए। हम बेचारे नहीं हैं, नॉलेज के हिसाब से देखो हम अपने फुली इक्विप्ड हैं, लोग पूरे स्लैश हैं, लेकिन हमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ एडमिटेड देखें बेचारे जो चीज़ें हमें चाहिए ना, वो चीज़ें हमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लिए, आप बात करो कंपनीज वालों को, बोलिए आप हमारे एडवोकेट बनिए, एडवोकेसी करिए लोगों पर, आप 10 लोगों से बात करें। आप अगर 10 लोग बैठते हैं, अगर कोई ट्रांसजेंडर के बारे में बात निकलती कोई गलत बोलता तो आप एडवोकेसी करिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप हमारे बारे में बताइए कि यार ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत सोचे हो। वो चीज़ें बनाई गई थी, हमारे खुद की सोच है, हम लोगों ने खुद ही ऐसा छक्का हिजड़ा मामू टेम्पू परोंठा बोल दिया, हलवा बोल दिया हम लोगों ने ही। हमारे अगर कोई बोलता है कि तो सेक्स वर्क कर दो, सेक्स वर्क तो खुद नहीं कोई इंसान अपने आप तो नहीं करेगा ना, उसपे उसके पास वो हर जेंडर करता है। मैं लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, एवरी जेंडर इज इनटू सेक्स वर्क। व्हाई आर यू ब्लेमिंग जस्ट ट्रांसजेंडर्स? वुमेन आर इनटू सेक्स वर्क, मेन आर इनटू सेक्स वर्क, और एंड इट इज अ वे ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। सम पीपल एंजॉय इट, सम आर फोर्स्ड इनटू इट, सम आर इनटू ट्रैफिकिंग, फॉर सम इट इज इलीगल। जिन कंट्रीज में लीगल है वहां लीगली कर रहे हैं, जिन एरियाज में इलीगल है उनके पास और कोई वर्क एवेन्यूज नहीं है, वो फोर्स्ड हैं, वो ट्रैप्ड हैं, आप उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। तो आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए, आप खुद को भी ब्लेम मत कीजिए, पर एटलीस्ट गलत अफवाहें मत फैलाएं। यस, एग्जैक्ट, डोंट स्टीरियोटाइप पीपल कि ये हैं और सभी ये तो ये होंगे, ये तो ये होंगे। जैसे लोग हम कहते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत पार्टियां करते होंगे, आप तो बहुत ग्लैमर में रहते होंगे, दैट इज पार्ट ऑफ आवर वर्क। पर आप मेरे को देखें, आज तक कभी भी मेरे को कभी पार्टी करते हुए देखा है? मैं पार्टी में भी आया हूँ किसी, सच्ची बताओ लोगों को नहीं। और दूसरी बात ट्रांसजेंडर के बारे में सोच थोड़ा सा हमें गलत सही को मतलब जो लॉजिक है उस पर हमने जानना होगा कि सभी, एक तो सभी जो लोगों का डिवाइड करते हैं हिजड़ा अलग होते हैं, सभी ट्रांसजेंडर होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, सभी ट्रांसजेंडर होते हैं। बस कभी सभी बैगर्स भी नहीं होते हैं ना, सभी बधाई में भी नहीं होते हैं, बट अब से सभी सेक्स वर्कर भी नहीं होता। जब भी कोई न्यूज़पेपर में किन्नरों ने ऐसा कर दिया, ट्रांसजेंडर ने ऐसा कर दिया, भाई उस बंदे का नाम लिख दो। हाँ, आपने पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया, मतलब जो बंदा घर पे या कहीं बैठा है कोई टाइपिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेम कर दिया आपने। हाँ, अभी जो ब्लड डोनेशन होता है तो उसमें ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते हैं, उनके शरीर में नहीं खून नहीं होता, क्या बह रहा है आपके अंदर, बिकॉज दे लोगों को लगता है कि सेक्स वर्कर है, तो ऐसा तो सभी सेक्स वर्कर गिने जाते हैं। अच्छा, मतलब अब ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर मतलब सभी आ गए।
तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आप बताएं कि इनके खून में क्या बह रहा है, मतलब अंदर क्या है, पानी है या रुद्रा जैसे है। रुद्रा ने अपनी माँ को हर 6 महीने बाद खून देता था, तो उनकी डेथ होगी, लेकिन अपनी मम्मी को, मम्मी की डेथ होगी अब, लेकिन 6 साल तक वो खून देते रहे, लेकिन जैसे जेंडर चेंज किया तो वो भी ट्रांसजेंडर की उसमें आ गया ना कैटेगरी। सो ये बहुत अजीब सी थ्योरी है, अजीब सी स्टोरीज हैं, लोगों की अपने स्टीरियोटाइप टैबूज बने हुए हैं कि ऐसा। आप इमेजिन करें, आप सुबह घर से निकले बाहर अपने, और आपको लोग बताएं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप सडनली किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने इतनी चीजें रोक, जब सिस्टम्स और पॉलिसीज इतनी चीजें रोकती हैं तभी तो लोग अपने आप को ओपन नहीं करते हैं। अब सडनली अब मेरा जेंडर जो मर्जी हो, मेरे मैं कहीं से तो पैदा हुआ हूँ ना, किसी के घर तो पैदा हुआ हूँ। इफ माई इमीडिएट फैमिली, माई इमीडिएट सिबलिंग्स, मेरे बच्चे, मेरा कोई भी अगर ब्लड उनको देना पड़ेगा और मेरा ब्लड ग्रुप और मेरी रिक्वायरमेंट्स उनसे मैच करती हूँ, आप सोचें कि मुझे पॉलिसी लेवल पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी अब यही डिसेबिलिटी बन गई है मेरी सबसे बड़ी, कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, है ना। सोचो कि कैसा लगता होगा। मुझे लगता है कि हम साथ बैठे रहेंगे और एक साल बीत जाएगा और हमारी बातें खत्म, बातें नहीं खत्म होंगी, और हम फिर अभी इसके बाद खाने पीने चले जाएंगे और अगेन कुछ नया सोचेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन द कमिंग ईयर एंड इन द कमिंग ईयर्स we are going to start a lot of major campaigning, major work which will include all genders. Actually agar aap hamara RFE Unplugged dekh rahe hain to we have included people from all strata, all segment, all genders, people with multiple disabilities, people working on multiple disabilities, people of all age groups, whether children, whether very senior. आप देखें कि इंक्लूसिविटी की तरफ वी आर मूविंग, एंड आई एम श्योर कि अगर आप हमारे सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, हमारे आने वाली फिल्मों में भी देखेंगे, हमारे आने वाले टॉक शोज में भी देखेंगे, हमारे आने वाले कैंपेन्स में भी देखेंगे कि दैट वी हैव इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट मैटर्स, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल डोमेन्स, एवरी वन हु इज़ अ ह्यूमन एंड कैन कम्युनिकेट, इज़ इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट, is on Rolling Frames Entertainment। और दीदी आपके इस अद्भुत बहुत अच्छे काम के लिए हमारे पास आपके लिए है gift hampers and our first gift hamper is from Aroma Musk for Dhananjay दीदी, and the second gift hamper is from Alisco's trending dazzling jewels from Alisco's। मैं इनकी टैगलाइंस भी पढ़ देता हूँ, अरोमा मस्क इज परफेक्टेड बाय नेचर एंड एलिस्टोस इज ट्रेंडिंग डैजलिंग जूल्स फॉर धनंजय दीदी। और दीदी इसके ऊपर एक लाइन लिखी है, वो आपके लिए है, एंड दैट स्पीक्स, पढ़ के बताओ लोगों को। ये चश्मे के बगैर पढ़ा जा रहा है, यू आर अ रॉक स्टार, यू आर अ रॉक स्टार, है ना। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे दर्शकों के लिए दीदी कुछ खास मैसेज या बात, ये मैं यहाँ रख देता हूँ और आप जरूर बोले। दर्शकों को तो मैं यही कहूंगी कि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस छोटा सा शब्द है, वो बस इंसान ही करता और कोई नहीं करता जी। जो हेट है वो इंसान करता है, बाकी कोई प्राणी जगत में कोई जगह हेट नहीं करते। वो अगर वो एक दूसरे को मार, जहाँ हिंसा होती भी है तो वो कुछ और वजह से, लेकिन उसका एजेंडा ये वो उन सब चीज़ों से नहीं होता। हम अगर अपने आप को सुपीरियर अपने बाकी प्राणियों से मानते हैं तो हमें सुपीरियरिटी दिखानी भी चाहिए। हमें जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जो जितने भी चीज़ें दुनिया भर में जो हेट फैलाती हैं, ट्रांसफोबिया इज़ अ डिजीज़। जो ट्रांसफोबिया है, होमोफोबिया है, वो डिजीज़ है। लव जो है वो सभी चीज़ों का इलाज है। जो प्यार है ना, प्रेम, जो हम लोग किसी का हाथ पकड़ते हैं, हम अगर हाथ पकड़ते हैं प्रेम से किसी का और उसको साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, इससे प्यार फैल बढ़ता है। लेकिन जब हम दूर भगाते हैं, किसी को हेट करते हैं, तो उससे नफरत फैलती है। तो हमें दुनिया में यही बात कहूँगी, हमें वे स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए और फैमिली एक्सेप्टेंस ज़्यादा जरूरी है। वी आर इन लॉज बट वी वॉन्ट इन हार्ट।
हम लोग लॉज में तो आ जाते हैं लेकिन हार्ट में नहीं आ पाते कभी, दिन दिन दिल और दिमाग में नहीं आ पाते, दिल और दिमाग में ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हम लोग इन लॉज बन जाएंगे, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, वो एक्चुअल में कभी अपने आप उनको मानते नहीं हो, ना सिस्टर मानते ना मदर मानते हैं, तो इन लॉज ही रहता है, तो वो उन चीज़ों हट के ट्रांसजेंडर इन लॉज ना बन जाए, तो बस ये। तो मैं भी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें डिवाइड करे, जो कंपार्टमेंटलाइज कर दे कि ये होता है, ये वो होता है, आई थिंक अगर उस सब के पार होके आप देखें कि सब इंसान है, सब इक्वली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई आपको आके काट थोड़ी रहे, काम ही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठे हैं तो ये इन्हीं में से ही स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, और आप बड़े हों, आप वर्क प्लेसेस में काम करें, तो आजकल इंक्लूसिव वर्क स्पेसेस के बारे में बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, आप बच्चों अपने बच्चों को एजुकेट करें, कभी भी किसी भी पार्टी में या किसी भी सेमिनार में आपको कोई ट्रांसजेंडर मिले तो बच्चों को ये नहीं कहना हो वहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो, अगर हैं वो बैठ लें, कोई आपको खा थोड़ी जाएगा, कोई आप वो भी वहाँ सेमिनार ही अटेंड करने आए हैं, वो भी वहाँ पढ़ने ही आए हैं, वो भी वहाँ जॉब ही करने आए हैं, तो आप ना लोगों की कहीं सुनी बातों पे बहुत ज़्यादा ना फॉल करें, थोड़ा सा कॉशियस भी रहें, क्योंकि जहाँ पे राइट सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पे थोड़े से रॉन्ग और जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से होते हैं वो रॉन्ग लोग, हर जगह में, हर टाइप में, हर कंट्री में, हर कम्युनिटी में होते हैं, तो उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को, पूरे जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते, और भाई फिलॉसफी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, है ना, तो बने रहिए हमारे साथ रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे, मैं हूँ ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं धनंजय चौहान, और आप हमें देखते रहिए रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू। आप देख रहे हैं RFE Unplugged, रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।